गुड इवनिंग बचवा लो गैन बचवी लोग क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग मेरी आवाज आ रही है और मैं एकदम मस्त दिख रहा हूँ तो जल्दी से फटाफट से थम्सअप कर दीजिए ये यू कर दीजिए आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए अपन शुरुआत करने वाले हैं एक जबरदस्त सा सेशन बहुत ही बढ़िया मजेदार सा सेशन फटाफट से एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया है सेमी अब तो क्योंकि अब सेमी में आपका कोर्स भी बहुत ही कम हो गया है तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम सब कर दीजिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बचवा लोग एंड बचवी लोग क्या हाल चाल एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ मस्त तो एक बार जल्दी से फटाफट से एकदम लाल वाला दिल बरसा दो एकदम वाइट टाइप कर दो आग लगा दो दिल बरसा दो जल्दी से फटाक फट से ये सारा काम कर दो जल्दी तगड़ा वाला काम कर दो जल्दी से <coughs> बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही मजेदार ठीक है तो एकदम फोड़ने के लिए तैयार हैं एकदम मस्त हैं चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सेशन एक धमाकेदार सा सेशन और सेमीकंडक्टर के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा थोड़ा मोड़ा कुछ 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 कुछ, -कुछ -क्या, 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 क्या 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 जल्दी से बताओ क्या क्या बताया जल्दी से बताओ फटाफट से सेमी के बारे में जल्दी से बताओ 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 कि सेमी अब हो चुका है थोड़ा सा जल्दी बताओ क्या कम आप लोगों का सिलेबस ट्रांजिस्टर खत्म हो गया है पता है पता है पता है पता है पता है ट्रांजिस्टर थोड़ा खत्म हो गया है पता है तुम लोगों को ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया है पता है तुम लोगों को यस बोलो यस यस वाई टाइप करो फटाफट से यस आवाज एकदम जबरदस्त चल रही है क्योंकि मैं सुनाता हूं तुम्हें अपना आवाज ये देखो फोन में तो आवाज मैं भी फोन में चेक कर रहा हूँ आवाज एकदम बढ़िया चल रहा है ठीक है भाई लोग को हटा दिया गया पता है पता है तुम लोगों को बहुत बढ़िया साउंड एकदम बढ़िया चल रहा है, पता है। तो मेरे एंड से साउंड में कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग है ना चलो शुरू करते हैं अपना सेशन धमाकेदार सा रेडी हो ओके सब लोग आ गए हैं आवाज एकदम जबरदस्त है एक बार साउंड ओके लिख दो फटाफट से भाई लोग साउंड ओके लिख दो एकदम है ना जल्दी से फटाफट से तो एकदम फटाफट से ओके लिख दो साउंड ओके है साउंड ओके लिख दो एस के लिख दो एस ओके संकल्प भारत ओके हो जाएगा एकदम लो नहीं है जिन लोगों को आवाज बेहतरीन आ रहा है वो जल्दी से बस साउंड ओके लिख दीजिए ठीक है जल्दी से फटाफट से साउंड एकदम जबरदस्त है तो कुछ लोग लिख रहे हैं लो लेकिन लो है नहीं मैंने यूट्यूब पे चेक भी किया अभी है ना एक ही बच्चा लिख रहा है तभी से लो <coughs> साउंड ओके है ओके 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 तो थोड़ा सा प्लीज साउंड को चेक कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा बेहतर बन लीजिए और एकदम रेडी हो जाइए तो चलिए शुरू करते हैं अपना जबरदस्त एक मैं फील करवा दूंगा बिल्कुल सेमीकंडक्टर तुम्हारे दिमाग दिल धड़कन और ब्लड के अंदर घुस जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो आज अपन क्वेश्चन कवर ना करें तो अभी तक क्या था सर सेमी कंडक्टर में और अब आज क्या होगा मतलब का वन ऑफ द बेस्ट सेशन है ये वो आप अभी तुरंत बताने लगोगे चाहे चाहे वो हो, वो हो एनसीआर लाइन बाय लाइन हो मैं एनसीआर बिल्कुल लाइन बाय लाइन रीड करके आया हूं तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल क्वेश्चन पी क्यू हो सकता है वो सब डिस्कस करेंगे इतने क्वेश्चन करेंगे तुम बोलोगे हो गया सर अब हो गया क्वेश्चन नहीं बन सकता इसके beyond. ऐसा हम करेंगे आज राइट तो मचा देते हैं। में लगा और Hello, चलो, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं डबल स्टार शो में आज सेमी का और आज करने वाले हैं अपन सेमी के ऊपर कंप्लीट तीन क्वेश्चन अभी पता है तुम लोगों को दो में चार क्वेश्चन आया था और अब बताता हूं यार इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का कहानी क्या है अभी तक क्या क्या आता था जरा सा बात करते हैं इंट्रोडक्शन में सॉरी <coughs> 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 थोड़ा सा तबियत खराब है लेकिन पूरा एनर्जी लगाएंगे टेंशन मत लो <coughs> सबसे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिक्स ये बेसिक्स जो सेमीकंडक्टर होता क्या है सेमीकंडक्टर में किस तरीके का चीज होता है एक एक लाइन तुम्हें सेमीकंडक्टर का फील दिलाऊंगा मैकेनिक्स की तरह आज देखना ठीक है उसके बाद बेसिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एक क्वेश्चन से भाई लोग ओके ये सिलेबस में अभी भी है एक दूसरा क्वेश्चन आएगा पीएन जंक्शन से पीएन जंक्शन कैसे बनता है एक बेसिक से आएगा एक पीएन जंक्शन से आता है हमेशा बेरियर पोटेंशियल रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस सर्किट पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन के सर्किट से एक क्वेश्चन इससे बनता है दो क्वेश्चन ठीक है दो क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तीसरा, तीसरा पहला क्वेश्चन इससे दूसरा क्वेश्चन इससे तीसरा क्वेश्चन बनता था किस चीज से ट्रांजिस्टर से और चौथा लॉजिक गेट से अब देखो कहानी बताता हूं मैं लॉजिक गेट है ना गेट्स और अब क्या है ट्रांजिस्टर 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 अब तुम्हें मैं बताता हूं क्या होने वाला है एनएमसी का भी सिलेबस का आया है तुम लोगों को एनएमसी ने बताया अभी तुरंत तुम लोगों को कि भैया ट्रांजिस्टर नहीं है सर्किट में ट्रांजिस्टर को निपटा दो एनएमसी ने क्या बोला ट्रांजिस्टर को निपटा दो तो एनएमसी ने ट्रांजिस्टर हटा दिया एनसीआरटी ने क्या किया एनसीआरटी ने लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर दोनों हटा रखे हैं अरे भाई साहब तो बचा क्या इसके बाद एक चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड करता हूं देखो मेरा गैस है और पक्का आएगा क्वेश्चन देखना जीना जीनर अब जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीना डायोड देखना जीना डायोड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा अब जीना डायोड से पहले थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं अब न्यूमेरिकल आएगा जो जीमिन में आता था क्योंकि ये दो चीज हटा दिया लेकिन हुआ क्या एनसीआरटी में ये नहीं है एनएमसी में ये नहीं है अकॉर्डिंग टू एनएमसी ये नहीं है और अकॉर्डिंग टू टू एनसीईआरटी ये दोनों नहीं है तो इससे तो क्वेश्चन आना ही नहीं है भाई साहब ये तो पूरा निपटा ही दो एनएमसी ने इसको रख रखा है तो क्या ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे क्या जीनर का ऑपरेशन करेंगे यस जीनर का ऑपरेशन करेंगे क्या पीएन जंक्शन सर्किट वगैरह बेसिक सब पढ़ेंगे हाँ और ये अभी भी चार क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है तो सेमीकंडक्टर या तो तीन क्वेश्चन या तो चार क्वेश्चन यानी कि भाई साहब या तो सोलह मार्क्स या तो ट्वेल्व मार्क्स दिया ही दिया है अगर कैसा भी जीवन खत्म हो जाएगा ना तो आज के क्लास से दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यार यानी कि तुम सोचो कि टू आवर्स का क्लास लेने वाला हूं मैं टू आवर्स टू एंड हाफ आवर्स और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और तुम्हारे ट्वेल्व मार्क्स की गारंटी तुम लोग बोलोगे तो और बता दूंगा और बता दूंगा मेरे को तो, कोई ही नहीं है। तो इसको मैं दो सेशन में रखूंगा और और का, का तुमसे ना सॉल्व हो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा रिजाइन कर दूंगा तुरंत से समझ लो तुम लोग इतना तगड़ा वादा प्रॉमिस जो मान लो वो क्या तुम लोग तैयार हो सेमीकंडक्टर के इन तीन क्वेश्चंस को पूरा तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से फील करने के लिए तो जल्दी से लाल वाला दिल एकदम बरस जाना चाहिए भाई साहब एकदम आग बरस जाना चाहिए तगड़ा वाला ताकि ये चीज अपन हाँ बेसिक्स पीएन जंक्शन सर्किट जिन्ना डायोड लॉजिक गेट सब कुछ अच्छे से पढ़े दो घंटा कसम खा लो एकदम साथ में रहेंगे फुल एनर्जी के साथ रहेंगे मजा आ जाएगा क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन जितना बन सकता है ना सब कर डालेंगे भाई साहब ठीक है बच्चों तो आ जाओ शुरू करते हैं अपन टू आवर्स एकदम कसम खा लिए अपन कि अपन साथ साथ रहेंगे दो घंटे तक ठीक है भाई लोग सब रेडी हो जल्दी से फटाफट से एकदम तहलका मचा दो जल्दी से <laughs> तहलका मच जाना चाहिए भाई साहब यूट्यूब पर एकदम चलो जल्दी से आ जाओ अब स्टार्ट करता हूं मैं इंट्रोडक्शन से तो इंट्रोडक्शन तो सर आपने ये कर दिया नहीं 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 नहीं, नहीं। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है सेमी का भाई साहब क्या स्टार्ट होता है सेमी का ये हटा क्यों रहे हो अरे कॉपी किया हूं बेटा कॉपी किया हूं बेटा तो ये तो बेसिक चीज मैंने बता दिया कि आज के लेक्चर से तुम्हारा क्या तैयारी हो जाएगा चलो समझते हैं सीखते हैं पढ़ते हैं बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से ठीक है चलो आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि सेमीकंडक्टर है क्या सर तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स अब देखो ध्यान से ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक एक चीज एकदम बताऊंगा ठीक है अब आ जाओ बस तुम लोग यहां पे ध्यान दो तुम्हारे लिए ही चल रहा है एकदम मजेदार सेशन भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और ये नो इन जो है ये क्या है डायनामिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते क्या है इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स जरा ध्यान देना बेटा मजा आने वाला है डायनामिक्स का क्या मतलब होता है मूवमेंट डायनेमिक्स मतलब कोई चीज जो चल रहा है उसी के बारे में पढ़ते हो तुम लोग और यहां पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता था सर कंडक्टर में नहीं होता था अरे होता था फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई सर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स में सेमीकंडक्टर का क्या जरूरत पड़ गया सर सेमीकंडक्टर क्यों एग्जिस्टेंस में आ गया हमें इसके बारे में क्यों जानना पड़ गया क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को अरे वाह कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सर कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस तो ये सारा खेल जन्म लिया कंट्रोल करने से तो इसके पास सेमीकंडक्टर में ये स्पेशलिटी आ गई कि हम इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं क्या कंट्रोल कर सकते हैं ध्यान से देखना बेटा कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल किसको कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैग्नीट्यूड वाइज भी एंड डायरेक्शन वाइज भी किसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरे वाह मजा आने वाला है यस yes. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं बेटा

और डायरेक्शन को भी हाँ लेकिन किसका हेल्प है विद द हेल्प ऑफ सेमी अच्छा विद द हेल्प ऑफ सेमी कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ सेमी बहुत मजे बढ़िया बढ़िया सुंदर मजेदार इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी देखेंगे कैसे करते हैं ये वाला चीज क्या यहां तक तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स तो था बैटरी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो पहले भी कराते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी करवाया था लेकिन पता था पहले क्या होता था पहले बड़े 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 भाई साहब वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था लोग पगला जाते थे कॉस्टली होता था देखो वैक्यूम ट्यूब लगाता था

कितना खर्चा आता था बैटरी वेरिएबल लगाना पड़ता था वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था और एक सबसे बड़ा बात सबसे बड़ा बात एक्सटर्नल रीजन में इलेक्ट्रॉन को तुम फ्लो कराते थे लेकिन अब अब जल्दी से देखो जल्दी से देखो जल्दी से देखो विद इन द मटेरियल अब जो हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर उस सेमीकंडक्टर अब ये पढ़ेंगे हम ऐसा कुछ डिवाइस आने वाला है इसी के अंतर बिना वैक्यूम ट्यूब का ये काम कर सकते हैं जो पहले ऐसे कराया जाता था जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स थे वो सब खर्चा इसने बचा दिया एक 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 छोटा 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 सा 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 वोल्टेज लेके ये काम हमने कर लिया तो इसीलिए हमारे लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ही मजेदार है बहुत ही काम का है तो ये बात पहला चीज हमने समझाया कि ये सब का काम जो पहले बड़े बड़े ट्यूब्स लगाए जाते थे जैसे तुम्हारा मॉनिटर होता था कंप्यूटर्स के तुम देखते थे कितना बड़ा बड़ा होता है है ना उसको तुमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से एल से कर दिया सोचो उसमें पहले यही होता था बड़े बड़े छोटा सा सेमी कंडक्टर डिवाइस से पेन जंक्शन से अभी पढ़ने वाले सब तो क्या तुम्हारे दुकान में एक्साइटमेंट पैदा हो रहे हो भाई साहब यही वो चीज है जो इतनी सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया कम खर्चे में यस बच्चा लोग क्या बात समझ में आया तो यही वो चीज है तो अब हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जनरली ये जो सेमीकंडक्टर नाम का चीज है सर जो हम सेमीकंडक्टर के नाम का चीज पढ़ना चाहते हैं ये बहुत तरीके का होता है जरा सा ध्यान से देखना सेमीकंडक्टर जो है ये बहुत तरीके का है हाँ सर बहुत ही बढ़िया हाँ बात है बहुत तरीके का मतलब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है कुछ और भी मिक्स करके अल्ड बना के सेमीकंडक्टर बनाया गया है लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल सेमी कंडक्टर है।, है और वो सिर्फ दो ही की स्टडी करना है एक जर्मेनियम का और एक सिलिकॉन का बात समझ में आया तो एस si आई और जी ए टाइप कर दो हाई तो बहुत सारे लेकिन हमें स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसका करना है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का बस हाँ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वाह सर कहानी समझ में आ गया अब इतना सारा कहानी नहीं अब यह पढ़ना है अब हुआ क्या यह क्या है मटेरियल है क्या ये मटेरियल है? है क्या यह मटेरियल है? है क्या मटेरियल है? है, है? है अब इससे देखो कितना बड़ा चीज निकल के आता है अब तुम लोग सोचते होगे कि यह सिलिकॉन है यह जर्मेनियम है अब ये कहां पे लाइक करता है जल्दी से बता दो कहां पे करता है जल्दी से बता दो सिल्कन और जर्मेनियम दोनों फोर्थ ग्रुप पे करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताऊंगा मैं तुम्हें आज सिलिकॉन और जर्मेनियम कहां पे करता है जल्दी से बता दो अरे रुको तो कंडक्टर का पूरा ऑपरेशन करेंगे आजाद अहमद जी पहले देखिए ना जो मैं बता रहा हूं जैसे मैं रिलेट कर रहा हूं आप वो तो समझो पहले समझो तो यार जो मैं बता रहा हूं सुनो तो एक एक चीज फील आ रहा है ना अभी तक जो बताया ये भी आएगा यह है मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है सर ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 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 है।, है बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जल्दी से 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 बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फोर फोर होंगे four होंगे, सर, सॉरी 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 सॉरी, ग्रुप ग्रुप का sorry, sorry, sorry. का तो इसका पे क्या हो जाएगा केमिस्ट्री तो तुम लोग बेहतर जानते हो मेरे से बहुत ही बढ़िया हमें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, में है. Yes.

एक इलेक्ट्रॉन वाले या फिर हाइड्रोजन लाइक एक इलेक्ट्रॉन वाले सिर्फ इसके एनर्जी को, हाँ -like को। -like लाइन पढ़ा, -like पढ़ा है तुमने क्या तुम इसके एनर्जी लेवल को पढ़े थे हाँ ना बोलो हाँ सर पढ़े थे इसके एनर्जी लेवल को हमने भी पढ़ाया यूट्यूब पे अभी तुरंत

एनर्जी लेवल्स ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो एनर्जी लेवल बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत अरे सर किस बात की दिक्कत होगी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम पढ़ते हैं थर्टीन पॉइंट सिक्स इसके बाद फिर से अगला जल्दी से देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये क्या है जल्दी से नाम बताओ इसका कि जल्दी से नाम बताओ ये क्या है जल्दी से नाम बताओ जल्दी से नाम बताओ जल्दी से नाम बताओ जल्दी से नाम बताओ यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री ये सब क्या है जल्दी से बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम अगर तुम बनाते हो तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है क्या ये एनर्जी लेवल जल्दी से बताओ क्या है ये एनर्जी लेवल क्या सबको मेरा बात समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से वाइट एप करो सर आपने बताया कि अगर एक सिंगल एटॉम हो तो इसके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो चुका है अब भाई साहब ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इसके अंदर सिलिकॉन ही सिलिकॉन सिलिकॉन ही सिलिकॉन सिलिकॉन ही सिलिकॉन सिलिकॉन का बोछार लगा हुआ है भाई साहब सिलिकॉन 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 ओ भाई कितने टॉम्स होंगे देखो ध्यान से ओ भाई ओ भाई साहब ये तो एक नहीं है सर हाँ ये तो बिल्कुल एकदम बरसात कर रखा है ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि इसके फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दो तीन चार भी एक इसका दो, इसका तीन, इसका दो तीन चार चारों से यह कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है तुम सबको पता है तो जल्दी से सी टाइप करो सर कोवेलेंट बॉन्ड से ये सेमी जो सिलिकन का है फोर बैलेंस बैलेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के चलते कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बोलो अगर सबको समझ में आ गया ये चीज तो कहानी कहाँ पे आ गई है जरा देखना मजा था हूं अभी अब यार ये तो मटेरियल है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे आप अभी तो भाई साहब चार इसका चार और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये इसके साथ जुड़ा हुआ, हुआ है अभी तो एक था सर अभी तो एक था सर तो इसमें एनर्जी लेवल्स थे क्या थे एनर्जी लेवल्स और जब इसका तुम इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे इसका तो क्या लिखोगे यू क्या लिखोगे जल्दी से बताओ K, Z, e R. R के क्यू वन क्यू टू एनर्जी जरा इसका ग्राफ बनाओ के जेड ए स्क्वायर बाय आर आर के बेसिस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ ये वन बाय आर का ग्राफ कैसे बनता है बताओ मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की तरह ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा क्योंकि ये जो एटोम है यह बिल्कुल स्फेरिकल हम मान मान रहे हैं मान लो इधर ध्यान से देखो बच्चों एक एक चीज फील दिलाऊंगा मैं ये स्फेरिकल मान रहा हूं मैं तो ये जो एनर्जी का डायग्राम बनाया है वर्सेस आर के टर्म्स में सर आपने ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले का बनाया है जिसमें कि ये जो एनर्जी है ये स्फेरिकल है सिर्फ एक ही लीजन में नहीं होगा ये इधर भी होगा इधर भी होगा ये 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 इधर इधर भी भी होगा होगा पूरा एकदम की तरह निकलेगा एकदम में में बोलो बात समझ आ गई तो जल्दी से करो फटाफट से व्हाइट ऐप करो कि सर एक एनर्जी लेवल का जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लेकिन कोई एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा जल्दी से बता दो फटाफट से कोई एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा क्या ये बात सबको समझ भाई थ्री में बन रहा है फोटो ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा। ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का खेल है सर अगर यहां पे आप इतने तरीके के इलेक्ट्रॉन्स इसका, इसका 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 ये सारे एक दूसरे पे बनने लगेंगे तो कैसा बनेगा सोचो तो ये भयानक रूप रेखा धारण करेगा और एक का देखो एक का एनर्जी लेवल बनेगा ऐसा दूसरे का एनर्जी लेवल बनेगा ऐसा फिर दूसरे का देखो ये 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 सब सब क्या है एटॉमिक साइट्स अगर मैं बना दू न्यूक्लियर साइट्स बना दू पहले वाले का एक का फिर दूसरे वाले का ऐसे बना दू फिर तीसरे वाले का फिर चौथे वाले का फिर पांचवें वाले का फिर छठे वाले का फिर सातवें वाले का ऐसे जी सारे हैं मिलियन मिलियंस होंगे सोचो जरा सा सोचो तो एक के चलते ऐसा बना दूसरे के चलते ऐसा बनेगा तीसरे के चलते ऐसा बनेगा चौथे के चलते ऐसा बनेगा पांचवे के चलते ऐसा बनेगा छठे के चलते ऐसा बनेगा यानी कि दोनों तरफ बन रहे हैं एक दूसरे के लिए इसके लिए इसके दोनों तरफ बनेंगे इसके लिए दोनों तरफ बनेंगे अरे यार यही तो चीज समझाना चाह रहा था मैं अभी तक ये जो एनर्जी लेवल है देखो ध्यान से इस एनर्जी लेवल के ऊपर का खेल क्या हो रहा है देखो इसके ऊपर कहानी अलग है इसके ऊपर अलग है इसके नीचे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है देखो सब अलग अलग है सब अलग अलग है इसके नीचे कुछ इस तरीके का गेम है पहले वाले की तरह पहले वाले की तरह लेकिन अब जब ये बहुत सारे एटम्स होंगे जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो एस ऑर्बिटल है कैसे होगा स्फेरिकल होगा फिर पी वाला इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया तो पी कैसे होता है डम्बल से बन जाता है। देखो फिर एस पी पुलोहा बन जाएगा वो डबल डबल हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की हालत देखो क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा स्पेस मिलेगा अब घूमने के लिए ये, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इसके पास भी चला जाएगा ये वाला इसके पास भी चला जाएगा इसके पास भी इसके पास भी कहने का मतलब कि अब जो एनर्जी है वो एनर्जी सिर्फ एक तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा है अब मिक्स हो रहा है इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी इंटरेक्ट कर देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरेक्ट कर लेगा इसका इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरेक्ट कर लेगा यानी कि अब एनर्जी एक बैंड में है एक रीजन में डेवलप हुआ है पहले ऐसा नहीं था पहले एनर्जी एक लेवल में था समझो बात को पहले लेवल में था यहां से डेवलप हुआ कांसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड क्यों पढ़ते हो भाई जब तक आज तक तुमने एनर्जी बैंड का नाम क्यों नहीं लिया बात समझ में आई तो जल्दी से आग लगा दो ई टाइप करके एकदम लाल वाला दिल बरस जाना चाहिए अभी तक सिर्फ एनर्जी लेवल था लेवल था लेवल था लेवल था, लेवल था। लेकिन अब जन्म लिया है कौन ये ओवरलैपिंग के चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के चलते अब दो तरीके का एनर्जी बैंड क्रिएट हुआ जिसे हम एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड ये कंडक्शन बैंड इसीलिए है इलेक्ट्रॉन कि मूव कि कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करके वो कंडक्शन को देना शुरू कर देगा यानी कि अब तुमने पढ़ा एनर्जी बैंड थ्योरी मजा आ गया तो जल्दी से वाइट एप करो मैं तुम्हें ये लाइन याद कराने के लिए बताया था कि अभी तक तुम जो पढ़ते थे वो ये था एक सिंगल सिलिकॉन एटॉम के लिए एक के लिए ऐसे एनर्जी लेवल थे लेकिन अब क्या हुआ अब एनर्जी बैंड थ्योरी डेवलप हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को समझने के लिए किसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को समझने के लिए क्रिस्टल को समझने के लिए अब ये थ्योरी जो है एक दो लेवल पे आ चुका है एक को हमने नाम दिया वैलेंस बैंड और दूसरे को हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड और दोनों के बीच की दूरी को हमने नाम दिया जल्दी से बता दो फॉरबिडन एनर्जी गैप इस एनर्जी के गैप को हमने बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप मजा आ गया तो लाल वाला दिन जल्दी से बरस जाना चाहिए भाई लोग अभी तक आपने क्या बता दिया सर अभी तक आपने क्या बता दिया सर कि किस तरीके से ये दो बैंड बना है अब आगे का कहानी बताता हूं अभी तक लेवल था ये लेवल कन्वर्टेड इनटू बैंड्स ये है वैलेंस बैंड ये है ये है वैलेंस बैंड नीचे वाला ये है कंडक्शन बैंड ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से वाइट कर दो आग लगा दो दिल बरसा दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, फटा -फट से. क्या ये बात समझ में आ गई कि सर आपने अब दो एनर्जी बैंड बना दिए हैं हैं ठीक ठीक है है पक्का पक्का का पक्का समझ में आ गया सर अब अब समझते हैं। अब हमारे पास मेटेरियल है अब देखना हो क्या रहा है हमारे पास अब हमने पढ़ लिया है कि हम सिलिकन मेटेरियल को पढ़ रहे हैं जिसमें कि इस तरीके से एनर्जी बैंड है तो क्या यह एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो कंडक्टर का होगा बिल्कुल होगा क्या ये सेमीकंडक्टर का होगा बिल्कुल होगा और क्या ये मजा दिलाने के लिए मेटल बोलते थे जिसे एक बच्चा बोलता था सर पहले कंडक्टर तो पढ़ा दो फिर सेमीकंडक्टर पढ़ाना बच्चों पहले समझो तो बीच में कंडक्टर आ जाता फिर उसकी कहानी खत्म तुम्हें पता ही नहीं चलता कंडक्टर में ये होगा

फिर बताऊंगा मैं तुम्हें सेमी कंडक्टर में क्या होगा जल्दी से देखना फिर बताऊंगा मैं तुम्हें में क्या होगा और फिर बताऊंगा मजेदार चीज तुम्हें क्या इंसुलेटर में क्या होगा तुम खुद ही बोल दोगे अब ध्यान से सुनना पहले सेमी कंडक्टर का बताता हूं मेटल अपने आप आएगा ठीक है भाई लोग रेडियो बिल्कुल ध्यान से देखना सेमी कंडक्टर में ये जो बनेगा बैंड थ्योरी वो कैसे बनता है वो समझाता हूं होता क्या है ये सिलिकॉन है बेटा ये क्या है सिलिकन है ध्यान से देखना अब तुम्हें ये चीज तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि सर आपने जो ये सिलिकन बनाया है सारा का सारा ये सिलिकन में चार 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 वैलेंस बैंड है हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है चार 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 वैलेंस बैंड है अब ध्यान से सुनना ये नीचे वाला रीजन मैंने रखा है यहां पे और इसमें सारे के सारे को कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ा एक इसका 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 ठीक है इसी तरीके से एक इसका अब ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा कोवेलेंट बॉन्ड से ये इसके साथ जुड़ा ये इसके साथ एंड सो ऑन ठीक है सर मजा आया ये सब चीज आपने समझा दिया हमें अब ध्यान से सो नीचे भी है पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग कर चुका है सब अपने ऑक्टेट को पूरा कर चुका है अब क्या होगा जरा ध्यान से देखा एट रूम टेम्परेचर ध्यान से सुनो एक एक चीज को समझो एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इसके पास अब दो तरीके का बैंड है दो तरीके का बैंड है एक नीचे वाला है वैलेंस बैंड और एक ऊपर में है ऊपर में है कंडक्शन बैंड मैं इस बैंड को बनाऊंगा लेकिन सुनो पहले ध्यान से होता क्या है रूम टेम्परेचर पे इस सिलिकॉन के पास एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलती है जैसे ही एनर्जी मिलता है तो कोई भी एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके रूम टेम्परेचर पे इस जगह को छोड़ के वैलेंस बैंड में चला जाता कंडक्शन बैंड में चला जाता है

ये एनर्जी गैप थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर बहुत बढ़िया सर एट रूम होता क्या है जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के यहां आ जाता है देखो ध्यान से मजा आएगा तगड़ा तो ये वाला जगह हो जाता है खाली ये वाला जगह होता है खाली ये वाला जगह होता है खाली, होता है खाली। और यहां पे डेवलप होता है कॉन्सेप्ट ऑफ Holes. अच्छा भाई साहब अब क्या डेवलप हुआ इधर ध्यान दो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स ये जो चीज इलेक्ट्रॉन उतर के तो इधर चला गया कंडक्शन बैंड में जो खाली जगह हुआ उसे हम नाम देते हैं होल्स का ये होल्स क्या है ये इलेक्ट्रॉन के मूव होने के चलते यहां पे इस सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमने डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट और वो समझाने के लिए हमने होल्स नाम दो आंसू किया होल्स होता क्या है नेगेटिव चार्ज को हटने से क्या बनता है पॉजिटिव चार्ज तो ये क्या होगा होल्स को हम मानते हैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज है होल्स को हम मानते हैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज है ध्यान से देखते चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा कोई भी मटेरियल जो सेमीकंडक्टर का है ये सिलिकॉन उसके कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तभी इसके पास बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट पैदा कर देगा इसके अंदर कंडक्टिविटी जनरेट कर देगा लेकिन सेमीकंडक्टर में ये जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। थोड़ी एकाद इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये थर्मल एजिटेशन से थर्मल एजिटेशन का मतलब रूम टेंपरेचर पे इसका टेंपरेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और कंडक्टिविटी आ जाती है कंडक्टिविटी आ जाती है कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से अच्छा भाई साहब ये कंडक्टिविटी कब आया जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कंडक्टिविटी कब आया जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कंडक्टिविटी कब आया जल्दी से कमेंट करके बताओ जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया सबसे बेहतरीन जिसके ऊपर बार क्वेश्चन आया ऑन इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज इंक्रीजेस और करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने तुम्हें ये बात समझाने है या समझाया है कि ये जो कंडक्टिविटी होती है और इसके अंदर जो रेसिस्टिविटी है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है क्या होता है जल्दी से देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी तो जिसका कंडक्टिविटी होगा ज्यादा जल्दी से बताओ उसका रेसिस्टिविटी होगा जिसका कंडक्टिविटी होगा ज्यादा उसका रेसिस्टिविटी होगा कम जिसका रेसिस्टिविटी होगा ज्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा कम क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स होता है इनवर्स होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ा तो बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चा लोग इसका रेसिस्टिविटी को क्या हुआ जल्दी से बताओ रेसिस्टिविटी को क्या हुआ ये क्या है सिग्मा कंडक्टिविटी ये क्या है बेटा सिग्मा कंडक्टिविटी ये क्या है सिग्मा कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज

तगड़ा वाला तो इसमें तुम्हें क्या होता है जब इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा वैलेंस बैंड का है और कौन सा कंडक्शन बैंड का है तुम बता ही नहीं सकते हो तो इसीलिए इस मेटल के केस में या फिर यहां पे कंडक्टर के केस में किसके केस में कंडक्टर के केस में तुम बोलते हो इसका जो कंडक्शन बैंड होता है ध्यान से सुनना यह है इसका कंडक्शन बैंड और यह है इसका वैलेंस बैंड यह एक तरीके से हम बोलते हैं ओवरलेपिंग कंडक्शन बैंड होता है इसके अंदर का डेल्टा जी लगभग लगभग होता है तो इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं चलता कि किसका घर कौन सा है इसमें जी जो होता है वो लगभग लगभग जीरो होता है हम बोलते हैं ओवरलेपिंग कंडक्शन बैंड और ओवरलेपिंग वर्ड क्यों यूज होता है उसके पीछे का एक और रीजन बताता हूं इसका जो ये जो कंडक्शन बैंड है और इसका जो वैलेंस बैंड है इसका कंडक्शन बैंड का अपर लेवल ये है और कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल ये है ये कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल है ये कंडक्शन बैंड का अपर लेवल है और इसका जो वैलेंस बैंड का अपर लेवल है वो कुछ यहां पे लाइक करता है देखो ध्यान से सीखो सीखो कॉन्सेप्ट्स को यहां पे ये क्या है ये वैलेंस बैंड का अपर लेवल है और ये क्या है वैलेंस बैंड का लोअर लेवल है देखो ये ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है वाला जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा इस रीजन में इस रीजन में देखो ये रीजन कौन सा रीजन हुआ यही वो रीजन है जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड बात समझ में आई क्योंकि इसका जो लोअर रीजन है वो बैलेंस बैंड में लाइक करने लगता है बैलेंस बैंड का जो अपर रीजन है वो कंडक्शन बैंड में लाइक करने लगता है और इसीलिए ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलेप कर जाता है और इसीलिए इसका इजी को हम जीरो के बराबर बांध देते हैं तो ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो बैलेंस बैंड है इसके बीच में कुछ लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल ओवरलेप कर रहा होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन मस्त मजे ले रहा होता है भाई साहब इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का है या वैलेंस का है कोई दुनिया में नहीं बता सकता इसे अच्छा यानी कि कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस का इलेक्ट्रॉन है हम बता ही नहीं सकते बेटा इसमें हम बता ही नहीं सकते ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का है या फिर बैलेंस का है इसीलिए कंडक्टर के केस में क्या होता है तुम बोलते हो ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड होता है इसमें बैंड गैप जीरो के बराबर होता है क्या बात समझ में आ रहा है एकदम तगड़ा वाला तुम लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एकदम मजेदार तो अब यहां पे क्या होता है वो बताओ तुम लोग यहां पे कांसेप्ट अलग तरीके से काम करता है देखो ध्यान से यहां पे अलग तरीके से काम करता है बेटा मेटल के केस में ध्यान से देखना जैसे यहां पे तुम को इंक्रीज करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन बुखला जाता है भाई साहब इलेक्ट्रॉन बुखला जाता है मतलब रेंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है ये इससे टकराता 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 है ओ भाई साहब यानी कि पहले जो ये आराम से फ्लो करके करंट देने के लायक था अब वो खत्म हो जाता है ये मूव ही नहीं कर रहा है ये तो घूमे जा रहा है से उदर, इधर से उधर 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 अरे भाई साहब ये जा ही नहीं पा रहा है जैसे कि ऐसे समझो कि कंडक्शन का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कैसे है फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कैसे है फ्री इलेक्ट्रॉन है अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जैसे ही एनर्जी मिला तो इसके अंदर क्या होगा रेंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो अब जो पहले फ्लो जो हो रहा था वो डिस्टर्ब होगा या वैसा ही रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ फटाफट से जब पहले पहले जो हो रहा था वो जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर से बढ़ाने से पहले वो डिस्टर्ब हुआ या फिर और बढ़िया तरीके से होने लगा जल्दी से बताओ डिस्टर्ब हो गया सर है ना पहले जैसा नहीं रहा तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेंडम मोशन के चलते अब ये अब एक ही जगह पे टकराने लगा ये बाहर ही नहीं जा रहा है ऐसे समझो कि तुम सबके आंखों पे पट्टी बांध दिया मैं ये एग्जांपल हमेशा बोलता हूँ और तुम लोगों को बोला कि जो जल्दी से गेट के बाहर निकल पाएगा उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा बताओ क्या होगा भाई साहब दंगल मत जाएगी यहां पे तो तुम लोग भागने लगोगे इधर से उधर उधर इधर उधर 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 बोलो आए ना सारे के सारे गेट के बाहर निकलने लगेंगे सारे के सारे गेट के बाहर निकलने लगेंगे बच्चों यस yes, सर और यहां पे क्या होगा ये टेम्परेचर के बढ़ाने से सारे के सारे गेट के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकलेगा कोई नहीं निकलेगा कोई नहीं बोलो हाँ है ना निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकलेगा नहीं तो क्या हुआ फाइनली तो तुम में से ऐसा हो गया कि तुम लोग अगर सबर रखते कि भाई दो चार तो निकल के नीट में सिलेक्शन ले ही लेते हैं तुम लोग अगर सबर रखते तो हो जाता लेकिन वो हुआ ही नहीं बोल बेटा क्या बात समझ में आ रही है तो क्या हुआ तुम में से कोई भी इस तरीके से दंगल में फंसे और मर कट गए तुम इधर से टकरा रहे हो तो उधर उसका आंख फूट रहा है उसका पैर फूट रहा है उसका पता नहीं क्या हो रहा है तुम बाहर नहीं जा पाओगे वही काम यहाँ पे हुआ पहले तो बहुत बढ़िया कंडक्शन था भाई साहब टेम्परेचर बढ़ाने से इतने जिग झग हुए कि कंडक्शन ही रुक गया बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है जल्दी से बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर रेसिस्टिविटी बढ़ती है है या घटती जल्दी से बताओ भाई साहब जल्दी, जल्दी, जल्दी से बता दो फटाफट से जल्दी से बताओ क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा कंडक्टिविटी जल्दी से बताओ थोड़ा सा तुम लोग क्या करो रेड uh, वाला बटन को आगे लेके चले जाओ थोड़ा सा क्योंकि उससे तुम्हारा uh, तुम रियल टाइम पे मुझे रिस्पॉन्ड कर पाओगे थोड़ा सा तुम लोग स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हो देखो ध्यान से कंडक्टिविटी पे बढ़ाने से मोशन होने के चलते घट जाता है क्या ये क्या है रो है रेसिस्टिविटी तो रेसिस्टिविटी क्या होता है बढ़ता है और कंडक्टिविटी जो है वो घटता है क्योंकि अब कंडक्शन कम होगा रेसिस्टेंस हो गया ज्यादा देखो कितना तगड़ा लॉजिक है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या बात समझ में आई तो इसमें ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका रेसिस्टिविटी बढ़ने लगता है और कंडक्टिविटी घटने लगता है किसमें कंडक्टर में मेटल में जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी बढ़ता है देखो कैसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया हमने पहला कंट्रोलिंग सिखाया अभी तो और बाकी है पहला कंट्रोल करना तुमने सीखा है भाई साहब क्या टेम्परेचर बढ़ाने से ही कंट्रोल हो गया सर देखो एक चीज ठीक है भाई लोग बहुत बढ़िया तरीके से अब मेटल के केस में चीज है अगर इसका टेम्परेचर घटा देता मैं कंडक्टर था ये कंडक्टर था और टेम्परेचर को जीरो कैल्विन पे ले गए तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन सुधरा हुआ था उससे भी ज्यादा सुधर जाएगा कोई एनर्जी ही नहीं बचेगी बोलेगा भाई जहां ले जाना है ले चलो हम तो चुपचाप खाली बैठे हुए हैं एकदम शांत होके जैसे पिताजी तुम लोगों को डांटते होंगे मम्मी किसी दिन गलत काम से है ना तो कभी क्या होगा अगर इसका टेंपरेचर डेल्टा टी जीरो केल्विन पे लेके आया यानी कि कूल कर दिया भाई कूल कर दिया कूल ठंडा कर दिया तो क्या होगा इस बार कूल करने से इसकी क्या होगी जल्दी से बताओ इसका क्या होगा रेसिस्टिविटी घट जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा बोलो मजा आया ठंडा करने से ऐसा होगा कि फायर कम होगा तब तो आराम-आराम से से गेट से जाने लगोगे तब मोशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोशन होगा या नहीं होगा ये इस चैप्टर में यह मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं हाँ होगा मेटल है ना यार उसमें तो कंडक्शन ये ओवरलेपिंग कंडक्शन बैंड है ऑलरेडी कंडक्शन बैंड हुआ है एक्स्ट्रा एनर्जी ताकि ये उड़ के आए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना शुरू करेगा तब कंडक्शन टेम्परेचर पर बढ़ेगा लेकिन लेकिन, लेकिन 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 जल्दी से बताओ लेकिन यहां पर जो तुम्हारे पास कंडक्टर है इसमें अगर तुम टेम्परेचर को जीरो केल्विन पे रखे हो तो रेसिस्टिविटी इसका घट जाता है बेटा रेसिस्टिविटी इसका घट जाता है और कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाता है क्योंकि अब रैंडमनेस खत्म हो गया अब तुम लोग आराम से लाइन में खड़े हो और मैंने बोला अब जो पहले निकलेगा वो नीट में निकल जाएगा तो तुम लोग थोड़ा जल्दी से बहुत सारे निकल पाओगे सबको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया तो जल्दी से व्हाइट टैप कर दो आग लगा दो दिल बरसा दो एकदम मस्त मजा आया तो MMA टैप कर दो कि अगर कूल करते हैं हैं जीरो पे लाते तो कंडक्टर के अंदर की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी घट जाती है जबकि सेमी कंडक्टर में ये काम अगर मैं करता बताओ मुझे सेमी कंडक्टर में ये काम मैं अगर करता अगर सेमी कंडक्टर के टेम्परेचर को मैं जल्दी से बताओ सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को मैं घटा देता जल्दी से बताओ ये कॉपी किया है मैंने सेमीकंडक्टर को अगर मैं कूल कर देता तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये ये भी नहीं जाता जाता बोलो हाँ है ना हाँ सर ये तो खाली हो कंडक्शन बैंड इसे क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं कंडक्शन बैंड इसे जल्दी से बताओ एम्पटी कंडक्शन बैंड क्या बोलते हैं इसे जल्दी से बताओ एम्पटी कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ है क्या बोलेंगे इसे जल्दी से बताओ एम्पटी कंडक्शन बैंड लेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन होगा नहीं सर कंडक्टिविटी एकदम से खत्म हो जाएगी रेसिस्टिविटी बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा टेम्परेचर को घटाने से तो सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को घटा देते हो तो इसके पास एनर्जी नहीं है कंडक्शन बैंड में गया ही नहीं यानी कि सेमी कंडक्टर टेम्परेचर को जब घटाता है तो कैसे बिहेव करने लगता है जल्दी से कॉमेंट करके बताओ इंसुलेटर की तरह तरीके इंसुलेटर की तरह सबको एकदम मजा आ रहा है तो जल्दी से वाइट एप करो एकदम तगड़ा वाला क्या एक एक चीज फील कर पा रहे हो एक भी चीज में अगर जरा सा भी दिक्कत है तो पूछ लो बता दूंगा एक भी चीज में अगर रत्ती भर भी दिक्कत है तो पूछ लो बता दूंगा सेमीकंडक्टर को कूल करोगे तो एनर्जी ही नहीं मिलेगा भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन ये खाली हो जाएगा और इम्प्टी कंडक्शन बैंड किसका होता है इंसुलेटर्स का होता है तो अब आ गया जमाना सर आपने मेटल कंडक्टर सेमीकंडक्टर बताया अब क्या है सर अब क्या है सर अब है इंसुलेटर इंसुलेटर में क्या होता है सर जल्दी से बता दो इंसुलेटर में क्या होता है जल्दी से बता दो इसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इसके बीच का जो गैप है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये होता है eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब एनसीआर का डेटा है तो ये कंडक्शन बैंड जो होता है इसका खाली होता है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर इसको इतना एनर्जी किसी भी रीजन से मिला तो ये यहां से यहां तक जा पाएगा अदरवाइज ये नहीं जा पाएगा तो ये एनर्जी जब तक ओवरकम नहीं होगा ये एनर्जी गैप वाला तब तक ये उछल के इधर जा ही नहीं पाएगा तो इसके बीच में ये खाली पड़ा रहता है इसीलिए इसको बोलते हैं एम्प्टी कंडक्शन बैंड इसमें इंसुलेटर में इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है रेसिस्टिविटीज का वेरी वेरी हाई है वेरी वेरी है समझो और कंडक्टिविटीज का बहुत कम है बहुत कम है बहुत कम है इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि इतना टेम्परेचर और बहुत सारे टेंपरेचर बढ़ाओगे तब हम बोलते हैं इसके ऊपर टेंपरेचर का जनरल इफेक्ट हम नहीं बोलते हैं एकदम सबको मस्त मजा आ गया पक्का है ना एकदम मस्त एकदम सबको समझ में आ गया अब जल्दी से इधर आ जाओ फटाफट से इधर आ जाओ सब लोग जो पढ़ रहे हो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि ये यूट्यूब का दुनिया एकदम ओपन दुनिया है किसी को भी एकदम रिस्ट्रिक्शंस नहीं नहीं है 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 कोई भी है, भी भी आते हैं हैं कुछ लिख के चले जाते तो जरा सा रत्ती भर किसी को टेंशन नहीं ले रहा है। बस लाल वाला दिल बरसाते रहना रहना समझ रहे हो ना और और टैप करते रहना है, और जो दिक्कत है वो पूछते से सारे पी वाई क्यू और पूरा का पूरा गर्दा मचा देंगे भाई साहब जितना अभी तक पढ़े उसके ऊपर तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है जरा सा वो बता देता हूं मैं तो अभी तक मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये डेल्टा डेल्टा क्या होता है कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस बैंड का का मैक्सिमम गैप तो ये मैंने बताया इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड कोई दिक्कत नहीं है फिर मैंने क्या बताया इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरविडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप फ्री इलेक्ट्रॉन इस गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है दूसरा विथ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस यही बताया मैंने कि सेमीकंडक्टर का बिर्थ जो होगा वो कम होगा इंसुलेटर का ज्यादा होगा कंडक्टर का होगा ही नहीं बिर्थ लगभग लगभग जीरो होगा तो फॉरबिडन गैप का जो बिर्थ है वो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा किस बात पे सब्सटेंस पे नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे फिर अगला बिर्थ इज मोर

इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरबिडन एनर्जी गैप वेरी स्लाइटली चेंज होता है लेकिन चेंज होता है एनसीआरटी का लाइन है चेंज होता है लेकिन बहुत थोड़ा चेंज होता है लेकिन चेंज होता है या नहीं होता है, अगर पूछेगा तो यस फॉरबिडन एनर्जी गैप फिक्स नहीं होता ये टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा चेंज होता है यस yes, पूरा थ्योरी का पीडीएफ बनेगा न्यूमेरिकल का पीडीएफ बनेगा सब कुछ मिलेगा ए टू जेड आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है जरा सा भी तो एनर्जी का ये डायग्राम है एनसीआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवरलेपिंग कंडक्शन बैंड बना है ठीक है बिल्कुल सेमी में ये जो गैप है ये लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोलते हैं सीधा एनसीआर का सेमीकंडक्टर में ये क्या है लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजी यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम बोलते हैं ओवरलेपिंग रीजन इजी इज इक्विवेलेंट टू जीरो क्योंकि इसका जो लोअर रीजन है इसका जो अपर रीजन है दोनों ओवरलैप कर गया है तो ये पूरा एनसीईआरटी का फोटो तक बना दिया मैंने तुम्हारे लिए अब तुम लोग मुझे एक काम बताओ जिसको जरूरत होगा वो ये तीनों चीज़ पढ़ सकते हो कंडक्टर के केस में किसी को जरूरत होगा तो पढ़ सकते हो कि इसमें क्या होता है डेल्टा ई जी जो है वो ज़ीरो होता है इसमें ओवर कर जाते हैं कोई एनर्जी गैप नहीं होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए तैयार होता है तो इसीलिए इसका रेसिस्टिविटी लो होता है और कंडक्टिविटी जनरली इसका हाई होता है और रेसिस्टिविटी इसका लो होता है और रेसिस्टिविटी का रेंज इन सीआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने और कंडक्टिविटी के रेंज ठीक है एग्जांपल्स कंडक्टर के क्या हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर ये तुम्हें जरूरत है तो पढ़ लेना सब पढ़ा दिया हूं मैं ऑलरेडी लेकिन मैं हमेशा थ्योरी भी बच्चों को दे देता हूँ इसे कभी भूल गए तो इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होते हैं इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये मैं अभी तुरंत करने वाला हूं रुक जाओ अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग सपोज करो इसमें क्या लिखा हुआ है उसको रोको यहां पे सपोज करो ये एक एनर्जी गैप है ये एक एनर्जी गैप है सपोज करो ईजी ईजी इज इक्वल टू सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ठीक है तो बताओ ये क्या होगा जल्दी से कमेंट कर। करो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से क्वेश्चन है इजी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अरे जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो तभी तो वन शॉट या टू शॉट या थ्री शॉट पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो तभी तो शॉर्ट की बात करेंगे ना है ना जल्दी से बताओ पहले ये पहले ये पढ़ तो लो पढ़ो तो जो पढ़ा रहा हूं तभी तो शॉर्ट टाइम हो जाएगा तो, तो फिर कैसे करेंगे पहले ये बताओ इंसुलेटर बहुत बढ़िया अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेजना है विद द हेल्प ऑफ एक मुझे एक 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 न्यू फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ तो बताओ इसके पास मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए कि ये यह पे पहुंच जाए जल्दी से बताओ मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए इस वेव के पास द मिनिमम एनर्जी ऑफ दिस वेव जल्दी से बताओ सो द इलेक्ट्रॉन विल रीच इन टू द कंडक्शन बैंड जल्दी से बताओ मिनिमम एनर्जी इसके पास कितना होना चाहिए कि ये पे पहुंच जाए जल्दी से बताओ सारे लोग जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ वेरी गुड अनिंदिता वेरी गुड बच्चा लोग वेरी गुड सारे लोग बोले जा रहे हैं यस वेरी गुड शिवंशु वेरी गुड फाइव क्यों बोल रहे हो आकांक्षा फोर मिनिमम पूछ रहा हूं फोर दोगे तो ये यहां तक आ ही जाएगा तो मिनिमम केस में हमेशा क्या होगा फोर फोर ही देना पड़ेगा तुम्हें इसको यहां तक लाने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके पास जो एनर्जी होना चाहिए वो फोर इलेक्ट्रॉन में में करेंगे यानी कि इसका जो एनर्जी होगा एच सी बल वो इसके ई के बराबर होना चाहिए जब ई के बराबर होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके कंडक्शन स्टार्ट कर देगा तो मैं पूछूंगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड स्टार्ट तो जल्दी से डबल स्टार टाइप कर दो और आग लगा दो भाई साहब एच सी का वैल्यू एक और मैं बता देता हूं ये होता है बारह सौ चालीस इलेक्ट्रॉन वोल्टीटर यह आज के बाद से याद रखना का ही वैल्यू है सीधा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर hc का वैल्यू है सीधा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर सबको एकदम जबरदस्त वाला मजा आ ही गया है मजेदार काम हो ही गया है तो अब अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का दंगल चलो भाई तो इसी तरीके से सेमीकंडक्टर भी बता दिया मैंने और तुम्हें पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो भी बता दिया कि इस तरीके से इसमें बैंड स्मॉल बैंड गैप क्रिएट होता है जो लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है थर्मली एक्साइट अगर करते हैं तो इसमें कंडक्शन बैंड जो होता है वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो इसमें टेम्परेचर पे कैसा इफेक्ट होता है ये सब बता दिया एक बार देख सकते हो दीज थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एंड कैन कंडक्ट करेंट

फटाफट से टाइमर ऑन है जल्दी से आंसर करना फटाफट से टाइमर ऑन है भाई जल्दी से टाइमर ऑन कर दिया हूं क्वेश्चन का दंगल शुरू हो गया है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट इन कार्बन बट स्मॉल इन सिलिकन एंड जर्मेनियम कर रहा है कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होता है तो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कार्बन का नहीं होता है क्या बात समझ में आ रहा है द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल इन ऑल द थ्री गलत बात है रूम टेम्परेचर पे बोला गया है देख लो रूम टेम्परेचर पे एक्साइटेशन के चलते सिलिकॉन और जर्मेनियम में बढ़ जाएगा पढ़ो स्टेटमेंट को ये नीट का पीवाई क्यों है बेटा बिना पढ़े मत कर देना आंसर गलत बात है तीनों में बराबर नहीं होता द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्ट कंडक्शन इज सिग्निफिकेंटली क्या बोल रहा है सिग्निफिकेंटली स्मॉल यहां पे क्या है? ऑल द थ्री तो ऑल द थ्री में यह ना कम होता है सिग्निफिकेंट लो लिखना चाहिए इसको ये ना लो होता है ना हाई होता है कुछ नहीं होता है तीनों में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शनिफिकेंट ओनली इन सिल्कन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन एकदम सही बात है मजा आ गया अगर आंसर डी है तो जल्दी से फटाफट से डी 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 एकदम बरसात हो जाना चाहिए भाई साहब पूरा का पूरा, पूरा पीवाई क्यू बेस्ट मैंने बोला ना आज का सेशन करने के बाद सेमीकंडक्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन ही नहीं सकता है जो तुमसे ना बने जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे एक टॉपिक पढ़ाया अभी बस डेफिनेशन बताया कंडक्टिविटी एनर्जी बताया उसके ऊपर सारे तरीके का क्वेश्चन करेंगे पहले फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके ऊपर सारे तरीके का पूरा YouTube क्लासरूम ऑफलाइन कहीं भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा ये पूरा बता रहा हूं बस तुम लोग दिल से धड़कन से बैठ के इस चीज को समझो और ये जो ज्ञान है इसको ले लो और अपने 12 मार्क्स की तैयारी कर लो और 12 मार्क्स का मतलब तुम्हें पता 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 है पता है ना बेटा कि नहीं ट्वेल्व हजार से ज्यादा बच्चों का रैंक का डिफरेंस तो ये तीन क्वेश्चन आज तुम्हारे झोली में डाल के जाएंगे चलो आ जाओ एकदम दंगल मचा के ठीक है पक्का यस yes. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन का दंगल चलेगा बोला ना मैंने जल्दी से बताओ टाइमर ऑन जल्दी से देखते हैं दस से बीस सेकंड में कितने लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से देखते हैं जल्दी से देखते हैं दस से सेकंड में कितने लोग करते हैं। जल्दी से देखते हैं। एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर एकदम से ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा का पूरा विजिबल लाइट एंटर ना कर कंडक्टिविटी इनक्रीज okay. विथ टेम्परेचर अरे ये तो तुम्हें कहीं भी समझ में आएगा लेकिन ये समझ में आ गया हुज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर अरे भाई साहब डेल्टा टी के बढ़ने से कंडक्टिविटी किसका बढ़ता है अरे जल्दी बता दो बेटवा सेमी कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं जल्दी से बताओ सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें कैसा बॉन्ड होता है आयनिक अरे 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 10 से बीस सेकेंड में आंसर बोलो हर एक बच्चा ने मजा लिया देख लो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे लिंक्ड क्वेश्चन आएंगे एकदम मजा दिला दिला के कैसा क्वेश्चन आएगा लिंक्ड क्वेश्चन सीखो बेटा कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर किसमें सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग कैसा होता है कोवेलेंट कितना बढ़िया क्वेश्चन है लिंग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो बेटवा नीट का पूछा गया क्वेश्चन मैंने ईयर नहीं लिखा हुआ है सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू और पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन है जल्दी से फोड़ डालो बच्चा जल्दी से फोड़ डालो बोल रहा पीस ऑफ कॉपर कॉपर क्या है कॉपर क्या है कंडक्टर है कंडक्टर And another piece of germanium. Germanium क्या है? है। देख लो भैया ठंडा मार दिया फ्रॉम रूम टेम्परेचर डेल्टा टी घटाने से टेम्परेचर घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी घटता है किसका कॉपर का अच्छा और डेल्टा टी घटाने से कंडक्टिविटी घटता है और रेसिस्टिविटी बढ़ता है अरे किसका सेमीकंडक्टर का बोलो मजा आया क्या सेमीकंडक्टर कौन सा है भैया जर्मेनियम है बोलो मस्त वाला मजा आया क्या कौन सा आंसर होगा कॉपर क्या पूछा भैया कॉपर की क्या पूछा द रेसिस्टेंस सिर्फ रेसिस्टिविटी सिर्फ रेसिस्टिविटी की बात किया इसने रेसिस्टिविटी की बात किया सिर्फ रेसिस्टिविटी की बात किया तो कॉपर का इंक्रीज होगा क्या घटेगा गलत हो गया इच ऑफ डिक्रीज गलत हो गया इच ऑफ इंक्रीज गलत हो गया कॉपर डिक्रीजेज बोलो जर्मेनियम इंक्रीजेस अरे वाह सर क्या मजा दिलाया हो बोले बेटा कितनों का आंसर डी है जल्दी से एक बार लाल वाला दिल बरसना चाहिए यार लाल, वाला दिल, पे लाल वाला दिल ना तो मजा ही नहीं है सारे क्वेश्चन छान मारा हूं कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जो इसके बियॉन्ड होगा कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है बता तो रहा हूं मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जो इसके बियॉन्ड होगा चलो आज अगला ये वाला पढ़ो बेटा

चलो फोर फाट डालो जल्दी से फटाक फट से बेटवा जल्दी से फोर फाट डालेंगे जल्दी से भाई साहब जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये सब काम कर लेंगे जल्दी से फटाफट से बता दो Hmm. क्या बात है भाइयों क्या बात है मजा दिला दिया यार बेटवा अभी बताया था द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इनक्रीजेस वेन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 6480 फोर एट जीरो इंसिडेंट ऑन इट द बैंड गैप इवी फॉर द सेमीकंडक्टर इज यही तो बताया ये बोला है कि कंडक्टिविटी को क्या किया बढ़ा दिया कंडक्टिविटी बढ़ा है इसका मतलब वो जो गैप होगा ईजी का ये जो कन, ये जो वैलेंस बैंड का है और ये जो कंडक्शन बैंड का है इसका जो गैप का एनर्जी होगा ये पक्का इतना ही ये दिया होगा ये जो वेवलेंथ आया होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन से इतना ही एनर्जी मिला होगा यानी कि एनर्जी इसके एस सी वाला के बराबर हो जाना चाहिए बोलो मजा आ गया इजी इज इक्वल टू एच सी बोलो भाइयों तो ये क्या हो जाएगा इजी इज इक्वल टू एस सी का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ 1200 अभी बताया था मैंने 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर याद है तुम लोगों को याद है तुम लोगों को बताया था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और ये देख लो भैया अगला क्या है जल्दी से बताओ लैमडा ये क्वेश्चन सारे नीट पी भाई चल रहे हैं भाई चौबीस ऐसे मत समझ लेना तो देखो कितना मजा आया खुपाच खुपाच टक 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 कितने में दो में तो वन बाई टू यानी कि जीरो पॉइंट फोर देखो ये क्या है नैनोमीटर है देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म हुआ आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट मजा आ गया सर पक्का दंगल हो रहा है भाई साहब क्वेश्चन का एक और दंगल फोर डालो चलो 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 अगला क्वेश्चन फोर डालो बेटा फोर डालो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चों बोल रहा है द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर इन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर ये क्वेश्चन पता है 2020 का नीट ख लेना ऐसा ही क्वेश्चन 2020 2022 अरे यार हमेशा आता है बोल तो दिया ईयर ईयर नहीं नहीं लिखा हूं आज। नहीं लिखा हूं हूं आज टेंशन मत लो <coughs> जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से तो सेमीकंडक्टर में क्या बताया था डेल्टा टी के क्या हुआ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर तो क्या बोल रहा है द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर इन द मेटल एंड सेमी कंडक्टर एराइज अच्छा ये अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन क्यों अराइज होता है ये बताओ ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें तो कुछ मजा नहीं आया यार सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगता है सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उड़ उड़ के कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से तभी होता है तो वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग मैकेनिज्म हमारे पगला गया वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद टेम्परेचर एकदम सही बात है ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर उड़ के जा रहा है इसमें तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कोलिजन का मैकेनिज्म है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इतने होते हैं कि कोलिजन करने लगता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में बढ़ने लगता है बात समझ में आई तो इसका बेस्ट ये सारे अच्छे है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ये

बात आ रही है ना समझ में तो ये चीज को समझना है तुम लोगों को एकदम और प्यार से करते रहना है मेहनत और जो जो, जो चीज बता रहा उसको अपने दिमाग में सेट करते रहना है है तभी तभी मजा आएगा तुम लोग फोर पाओगे ठीक है भाई लोग चलो आ जाओ इधर आ जाओ जल्दी से और ऐसे लाल वाला दिल तो बरसा ही रहे हो तुम लोग क्या ही बात है अगला क्वेश्चन देखो <clears throat> देखो एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज जल्दी से बताओ कैसा

एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ यस yes, किसमें इंसुलेटर में सबसे ज्यादा थ्री से ज्यादा क्लियर है भाई लोग क्वेश्चन का मजा दिला दिया ना मैंने तुम लोगों को बम्फर अच्छा पी टाइप एन टाइप वाले क्वेश्चन आ गए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर फोड़ दो जल्दी से जल्दी से फोड़ो बैठवा जल्दी से फोड़ो बैठवा ये वाला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फोनो बिटवा हा जल्दी से आंसर बताते चलो स्पीड में क्या बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये वही चीज है भाई साहब ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर जल्दी से बताना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है उसके बारे में बात किया भाई साहब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जल्दी से बताओ इंक्रीजिंग द द स्पेसिफिक ऑफ कंडक्टर एंड एंडी कंडक्टर तो resistance, semiconductor का क्या होता है जल्दी से बताओ सर आपने बताया है कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है सर और सेमी कंडक्टर में रेसिस्टिविटी घटती है सर अगर तुम टेम्परेचर को क्या किए हो बढ़ाए हो तो देखते जा रहे हो ना तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर के केस में क्या होगा रेसिस्टिविटी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर केस में डिक्रीज होगा रेस्पेक्टिवली इस बार भी आंसर सी है बोलो सब लोग एकदम मजे ले रहे हो सी कंडक्टर पहले है ना तो पहले कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से बोलो पक्का यस सर अब अगला देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूं मैं

देखो अभी आया हुआ है फिर से ये क्वेश्चन और फिर से आया हुआ है नीट में भी आया हुआ है देख लो क्वेश्चन आया 2020 जेईई मेन में देखो क्वेश्चन आया 2020 जेईई मेन में, में। फॉर डालो बेटा जल्दी से फटाफट से देखते कितने लोग कर पाएंगे जल्दी से बताओ ए, स्पीड पकड़ो एकदम अपना दिमाग फोकस करके रखो इफ अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन बी डिटेक्टेड अ फोटॉन्स विद मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर का इसने क्या किया सेमीकंडक्टर से एक फोटोन निकाला ऐसा कब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन से उछल के यहां पे गया होगा जब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन से उछल के हायर में गया होगा अब ये हायर से एनर्जी लेवल ज्यादा है तो ये ये दोबारा से कॉम्बिनेशन ये जो है जेनरेशन और ये रिकॉम्बिनेशन ये प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि एक ही मटेरियल में तो प्रोसेस ऑफ जेनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है पूरा का पूरा तो ये जो एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी गैप इसको मिला होगा तभी ये एनर्जी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उछल के गया होगा जैसा कि अभी तुरंत तो बताया था मैंने बोलो हाँ ना तो क्या बताया था ईजी जो होगा वो किसके बराबर होगा एच सी बराबर होगा बोलो 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 तो क्या हो जाएगा क्या हाँ सर ये जीरो जीरो निपट गया यहाँ पे देखो चालीस से इसको कैंसिल करो तो फोर से टेन जा फोर थ्री जा टा फोर थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी पूछ सकता था बताओ ये कैसा है ये? सेमी कंडक्टर होगा इंसुलेटर होगा ये भी अगर ये सेमी कंडक्टर नाम नहीं पूछता बोलता था, था हुआ, तो बोल ऐसा हुआ बताओ मटेरियल कैसा है हमारा एनसीआरटी के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो क्या है लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए सेमी कंडक्टर के लिए मजा आ रहा है पक्का फोर रहे हो चलो अब एक तरीके का कॉन्सेप्ट और एक तरीके का क्वेश्चन क्लियर हुआ

P -type and N -type semiconductor और एक तरीके का क्वेश्चन की तैयारी करेंगे रेडी हो तो जल्दी से लाल वाला तैयार कर दो बेटा इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि छूटेगा नहीं क्वेश्चन तुमसे टेंशन मत लो अब आ जाओ हाँ सर फिर से तैयार कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टर ये सब हमने पढ़ा दिया है कि ये जनरली फोर्थ ग्रुप में लाई करता है इसका एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं ये मैंने अभी बताया है तुम्हें फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये भी बता दिया तुम्हें मैंने और इसका निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है इसका क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेसिस्टिविटी घटता है इसीलिए ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट है इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है ठीक है ये नया चीज सिखा दिया सब चीज क्लियर है बिल्कुल यस अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं कि इंप्यूरिटीज ऐड करने वाले हैं एडिंग ए स्मॉल इंप्यूरिटीज तो अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं अब मैं तुम्हें दो तरीके का चीज पढ़ाने वाला हूं कौन सा चीज पहले तो मैंने तुम्हें होल्स के बारे में बता ही दिया कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स क्लियर है भाई लोग तो जल्दी से होल्स टाइप कर दो फटाफट से यस सर आपने बता दिया है कि ये सिलिकन है ये सिलिकन है, ये सिलिकन है 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 बहुत ही बढ़िया बात है देखना मजा आएगा अभी तुरंत बेटा मजा आएगा अभी तुरंत सिलिकन है इसके अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग है बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है भाई साहब क्या है ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है भाई साहब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अब देखना मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें तगड़ा वाला अब देखना मजा दिलाता हूं मैं तगड़ा वाला यह है तुम्हारा वैलेंस बैंड और यह है तुम्हारा कंडक्शन बैंड इसके बीच का जो एनर्जी गैप है इसको पूरा कर दिया ई जी किसने पूरा किया इस एनर्जी को थर्मल एजिटेशन ने यहां पे हुआ खाली और इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ पे दमाक ध्यान से सुनना मेरा बात अब कहानी है कि ये होल्स क्या है सर और ये इलेक्ट्रॉन क्या है सर इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा थोड़ा सा एक काम यूज लेता हूं देखना ध्यान से मजा दिला रहा हूं अब मैं जबरदस्त मजा होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूवमेंट करता है अगर मैं यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं ध्यान से सुनना शुरू सुन करो आप अगर मैं ये लाइन खींचा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगाया ध्यान से सुनो तो हुआ क्या देखो ये होल्स का क्रिएशन हो गया साइट वन पे क्या बन गया होल्स बन गया कैसे बना होल्स कैसे बना होल्स जल्दी से बताओ कैसे बना ये होल्स ये होल्स बना इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कंडक्शन बैंड में अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगा किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इधर की तरफ बोलो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या कोई करंट आएगा आंसर है यस क्या कोई करंट आएगा आंसर है यस तो इसके अंदर एक करंट आएगा आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बोलो हाँ ना

तो होता क्या है ध्यान से सुनो आप होता क्या है ध्यान से सुनो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन उछल के इसके गैप को फिल करता है और ये होल्स चल के यहां आ जाता है इलेक्ट्रॉन खाली हो गया हाँ बहुत बढ़िया बात है फिर क्या होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आ जाता है फिर ये खाली हो जाता है होल्स यहां आ जाता है इलेक्ट्रॉन खाली हुआ तो हम क्या बोलते हैं होल्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो धक्का मार रहा है हम ये बोलते हैं होल्स भी मूव कर रहा है देखो ध्यान से किधर इधर हम ऐसा बोलते हैं पहले ये बना मान लो होल्स भी इधर मूव कर रहा है होल्स क्या है पॉजिटिव चीज है तो इसके चलते भी कंडक्शन है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इसकी चलते भी कंडक्शन है तो हम जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर ध्यान से देखो यहां पे ई e, एच हमेशा बनता है का जेनरेशन जेनरेशन हो रहा है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं है इसमें इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर गए और टेम्परेचर बढ़ा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर चला गया मान लो कहीं और का इलेक्ट्रॉन गया यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया सपोज करो उड़ के ये वाला तो यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या बना यहाँ पे जल्दी से बताओ अब इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गया खाली जगह तो क्या हो गया होल्स तो हम मानते हैं कि ये होल्स एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है ऑल दो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ठीक है कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स गया ये होल्स बनाई तो खाली जगह हो गया लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जेनरेशन हुआ दोनों जेनरेशन साथ साथ होता है इलेक्ट्रॉन जन्म लिया तो होल भी जन्म लेगा इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा था अभी 2018 में 2019 में देखो ध्यान से ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेट होता है ध्यान रखना और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रॉन के चलते भी करेंट होता है और होल्स के चलते भी करेंट होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होता है यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये दोनों बराबर तो होते तो तो हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये तो प्योर तो सेमीकंडक्टर है ये क्या है प्योर सेमीकंडक्टर क्या है ये प्योर सेमीकंडक्टर तो प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकन में इलेक्ट्रॉन होल पेर दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं पहला इंपॉर्टेंट बात दूसरा इंपॉर्टेंट बात एनी और दोनों बराबर होता है मजा आ गया तो जल्दी से वाइट कर दो और आग लगा दो तो अब तुमने कोशिश किया समझने का इस होल का ऑफ होल्स तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स क्या है ये होल्स है मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द दैलेंस बैंड बोलो मजा आ गया तो आग लगा दो मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड ये होल्स क्या है इट एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलो बेटा मजा आ गया तो आग लगा दो कैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है, है नहीं इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसकी मोबिलिटी हम कम मानते हैं ये सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हमने कर रखा है इसकी मोबिलिटी हम कम मानते हैं समझ में आ रहा है अदरवाइज नीट का क्वेश्चन थियोरिटिकल आता है सेमीकंडक्टर के ऊपर और बच्चों से माइनस वन मार्क्स दिलवाता है क्योंकि जब टीचर सेमीकंडक्टर बहुत तगड़ा क्लास में पढ़ा रहा होता है तब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं चीजों को समझते नहीं है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं लेते हैं और फिर क्वेश्चन गलत करके आता रहता है एग्जाम में ठीक है बेटा पक्का समझ में आता जा रहा है बहुत बढ़िया इट्स मोबिलिटी इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया सर ये तो होल्स के बारे में हमें समझ लिया बहुत बढ़िया ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है अब देखो ध्यान से अब आया इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर अब क्या है अब हमारे पास सिलिकॉन है और हमारे पास क्या है जर्मेनियम है दोनों क्या है 14th ग्रुप में है हाईलाइट कर रहा है तुम लोग बोल रहे हो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और तुम्हें केमिस्ट्री से थोड़ा सा मैं पूछता हूं तुम्हारे पास ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका लैटिस स्ट्रक्चर होगा हाँ सर बोलो जल्दी से हाँ सर अब मुझे बताओ कि अब अगर मैं चाहता हूं कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है मैं चाहता हूं इसमें कुछ ऐसा चीज डालू जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा कर दे

इसी तरीके का चीज यानी कि जो साइज ये कंटेन कर रखा है उसी साइज के आसपास वाले साइज के चीजों को इसमें तुम इंजेक्ट करना चाहोगे या कोई बड़ा या कोई बहुत ही छोटा किसी को भी इंजेक्ट करना चाहोगे बोलो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा सेमीकंडक्टर इतना आसान नहीं है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या हूं। इसका ऑपरेशन करके पढ़ा है इसीलिए तुम्हें फील दिला रहा हूं तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर ये चीज महसूस करवा रहा हूं सारा का सारा चीज बताओ जल्दी से फटाफट से अब तुम क्या चाहोगे जल्दी से बताओ क्या चाहोगे तुम फटाफट से बताओ क्या चाहोगे कि स्ट्रक्चर फिक्स्ड रहे जैसा है उसी के आसपास का रहे वो चेंज ना हो तो ये कौन से ग्रुप में है 14th में तो तुम्हें पता है कि साइज चेंज होता है ग्रुप में और पीरियड में लेकिन इसके आसपास में उतना जल्दी साइज चेंज नहीं होगा इसीलिए हमने इंप्योरिटीज ढूंढा ऐसा इंप्योरिटीज ढूंढा जो इसके आसपास हो इसके आसपास कौन कौन है फोर्टीन के आसपास फिफ्टीन ग्रुप वाला होगा और फिफ्टीन के आसपास थर्टीन ग्रुप वाला होगा ओ भाई साहब मजा आ गया तो हमने दो तरीके के इंप्योरिटीज ढूंढे कौन कौन से बेटा देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें एक ढूंढा इसके आगे फॉस्फोरस क्या ढूंढा फॉस्फोरस इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे पेंटावेलेंट बोलो मजा आया क्या क्यों यही ढूंढा गया तुमने कभी ये सोचा क्योंकि तो इसके लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना था और 13 वाले का हमने ढूंढा है एल्युमिनियम ओ भाई साहब बोरॉन ओ भाई साहब सर मजा आया इसीलिए ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की आवश्यकता पड़ी हमें

P4 पॉजिटिव मत याद रख लेना P4 फोर पेंटा पेंटा मतलब पांच पांच मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार से ज्यादा तो ये निगेटिव ओ हो हो ये तीन तीन मतलब चार से कम चार से कम इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन मतलब मतलब पॉजिटिव P4 पॉजिटिव मजा आ गया तो आग लगा दो तो, अरे सर ये भी याद दिला दिया आपने यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते बनेगा इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते मतलब इलेक्ट्रो यूज होगा एन टाइप मतलब बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए मतलब वैलेंट यानी कि वैलेंट इंप्यूरिटी डालने से क्या बनेगा जल्दी से बता दो क्या बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एल्यूमिनियम जो ट्रावेलेंट इंप्यूरिटी है उसको डालने से इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन की कमी के मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट टाइवेलेंट डालने से बनेगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालने से बनेगा पेंटावेलेंट में फास्फोरस पर आएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से और एन टाइप अभी मैं बताने वाला हूं जो निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से और तुम्हारा दूसरा वाला जो एल्यूमिनियम डाला उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब वो पॉजिटिव हो गया पी टाइप पी टाइप कैसे बनेगा पी टाइप बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा मतलब होल्स ज्यादा होंगे देखो होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से मजा आ गया ये चीज देख के तो जल्दी से वाई टाइप करो आग लगा दो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है डोप्ड सेमीकंडक्टर है इम्प्योर सेमीकंडक्टर है और ये प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकन और एल्युमिनियम है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बराबर होते हैं और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है मजा आ गया इस चीज को समझ के तो जल्दी से भाई टैप करो आग लगा दो तो, तो सर अब आप समझाने वाले हो पी टाइप सेमी कंडक्टर जन्म कैसे लेगा रेडी ना बेटा एकदम yes, सर बहुत बढ़िया बेटा बहुत सुंदर मजा आ रहा है सर अब हमने बनाया सबसे पहले एन एन मतलब नेगेटिव अब देखो मैं, मैं मजा दिलाऊंगा तुम्हें यार।

एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के पास बैठा रहेगा देखो समझो चीजों को इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे कंडक्शन बैंड है यहां पे सिलिकॉन है अब ऐसे ऐसे बना दो ठीक है ये बनाते जाओ ठीक है भाई लोग देखते चलो बोलो बच्चों, YouTube का यूट्यूब ऑफ द बेस्ट लेक्चर मिलेगा इससे बेस्ट लेक्चर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बस तुम लोग ध्यान से पढ़ लो गारंटी है मिला लो सारे मास्टरों का नोट्स सब इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जो हम भी देंगे फिजिक्स में ये एकदम खुलेआम चैलेंज है तुम लोग बस पढ़ो ध्यान से ठीक है देखो इधर से फटाफट से देखो अब ये पेंटा वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा इसको ये शॉट से इलेक्ट्रॉन को चला जाएगा यहां पे बोलो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा क्या इसमें कोई होल्स का क्रिएशन नहीं होगा यस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस बार भी बनेंगे लेकिन ये कुछ पी यहां पे है दूसरा फास्फोरस कहीं और होगा तीसरा कहीं और होगा चौथा कहीं और होगा तो पहले जितना प्योर सेमीकंडक्टर में आता था इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उससे ज्यादा आने लगेगा आप क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये तो बिना थोड़ा सा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी एनर्जी खाया तो उड़ेगा क्योंकि ये किसी से बॉन्डेड ही नहीं है ये छुट्टा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है इसीलिए ये फॉस्फोरस यहां पे पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहता है यानी कि मैंने तुम्हें बता दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर में इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, करने के बाद कैसा बन जाता है जल्दी से बता दो बेटा ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद कैसा बन जाता है बेटा जल्दी से बता दो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बन जाता है पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बन जाता है हा हा।। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है कंडक्शन बैंड में वो सटा सट बढ़ता है यानी कि अब होल्स भी बना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है लेकिन आई ई जो होगा एन ई जो होगा जिसके चलते आई ई आएगा वो बहुत ज्यादा होगा एन एच भी होंगे ऐसा नहीं है होल्स नहीं होंगे वो भी मूवमेंट कर करके कर कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होगा लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फास्फोरस की डोपिंग कर दी जाए तो क्या होगा ये पहला चीज ये फॉस्फोरस पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहता है लिख लो यहाँ पे ये क्या है डोनर है इसको क्या बोलते हैं है, है, फॉर्म में रहता है और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जल्दी से बता दो यहां पे तीसरा इम्पोर्टेंट बात यह एन ई बहुत ज्यादा होता है एन एच -e से तो पहला ये डोनर है क्या है ये डोनर है दूसरा पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहता है ये डोनर इम्प्योरिटी जो है फास्फोरस। और तीसरा ये एन ई जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है एन एच से मजा आ गया तो आग लगा दो बच्चा लोग सर बरसात कर दिया आपने मस्त तरीके से बता दिया कि फास्फोरस पेंटा मतलब पांच पांच मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब एन टाइप निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का का फॉर्मेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बन जाएंगे का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव आयन के के फॉर्म में में रहेगा और बाकी ये ताज़ा कंडक्शन कंडक्शन बैंड में मस्त वाला बढ़ा देगा बताया क्या

न्यूट्रल है जितने पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे खत्म ये इलेक्ट्रॉन होल पे ये हमेशा एटॉम ऑलवेज न्यूट्रल होता है बच्चों को ये समझ ही नहीं आता जब हम बोलते हैं ये ज्यादा है होल से बच्चे समझते हैं हो गया कहानी खत्म अरे नहीं 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 ये इलेक्ट्रॉन गया ये होल बना ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये निगेटिव और ये और पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है है कहीं पे न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ क्या ये बात एकदम दिमाग में सेट हो गई क्या न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होता है इंटायरली न्यूट्रल होता है अभी भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन पेयर में होता है एक फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आयन बनेगा वहां इलेक्ट्रॉन बनेगा मजा आ गया तो जल्दी से बता दो भाई साहब जल्दी से मेजोरिटी चार्ज करियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनोरिटी चार्ज करियर यहाँ पे होल्स होता है सर बहुत बेहतरीन की क्लैरिटी बोलो बेटा क्या कॉन्सेप्ट एकदम मजा में चल रहा है क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे बेटे किसकी बात करेंगे बेटे पी टाइप सेमीकंडक्टर की पी फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एल्युमिनियम इसमें यूज होगा सर अभी भी सिलिकॉन है लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे आ चुका है इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई साहब ये तीन ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ सिलिकन सिल्कन सिलिकन सिलिकन तुम्हारे पास देख रहे हो ना एक एक चीज का महसूस कर पा रहे हो ना आज को तुम तुम्हें मैं महसूस करवा रहा हूं की फील को ताकि तुमसे क्वेश्चन ही नहीं छूटे बेटा देखो ध्यान से ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया ये तो छुट्टा बोला मैं देने को तैयार हूँ बोलेगा मेरे पास आई नहीं मैं क्या करूंगा बेचारा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके आसपास का कोई भी जो सेमीकंडक्टर होगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा ध्यान से देखो ध्यान से देखो बेटा तो ये कंडक्शन बैंड हो चुका है ये बैलेंस बैंड हो चुका है फोटो सोटो तुम बना ही लोगे इधर उधर करके हां सर ठीक है अब ये जगह खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये जो सिलकन के पकल वाला इलेक्ट्रॉन है ये उछल के इसके पास आता है ऑल तो ये उछल के सीधा तो आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होता है एक्चुअल में लेकिन हम बोलते हैं कि ये एल्यूमिनियम में डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की तो ये डिफिशियंसी को ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल करता है यानी कि एल्यूमिनियम नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है एल्यूमिनियम कैसा रहता है यहाँ पे निगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है पहला इंपॉर्टेंट बात एल्यूमिनियम कैसा है एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है एलिमेंट कैसा है एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है ये कैसा है एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है बहुत बढ़िया सर इलेक्ट्रॉन एक को एक्सेप्ट किया एलुमिनियम नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है दूसरा ये करता क्या है सर ये जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया होल्स बना दिया यहां पे अच्छा फिर से देखो वही चीज हुआ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से

इमोबाइल है इमोबाइल का क्या मतलब है सर ये मूव नहीं करता है इसके चलते एक्चुअल कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट नहीं होता जो ये आयन होता है वो इन इलेक्ट्रॉन और इन होल्स के चलते होता है इसीलिए ये होल्स कम पर गया था तो ये भी लेकिन ये इमोबाइल आयंस है ये मूव नहीं करते हैं एल्युमिनियम वाले ये इमोबाइल आयंस हैं नेगेटिव ये मूव नहीं कर रहा है। तो मूव कौन कर रहा होल्स होल कितने बन गए दो इलेक्ट्रॉन एक ही बना इस बार मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर क्योंकि एक ही थोड़ी डाला यार। एक भाई और इतने से छुटकी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम होंगे उसमें एक डोपिंग कर दिया तुमने एक डोपिंग कर दिया एक डोपिंग 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 बीस पच्चीस कर दिया तो पचास सौ दो सौ इलेक्ट्रॉन हो गए क्या ये बात फील कर पा रहे हो समझ आ रहा है तो एक बार तगड़ा आग लगा दो लाल वाला तो इस बार मेजोरिटी चार्ज करियर होल्स है और करेंट होल्स के चलते ही यहां पे होल्स का करेंट यहां पे डोमिनेट करेगा सारे लोगों को एकदम तगड़ा गेम समझ में आ गया है ये वाला पूरा का पूरा तो ये लाइन देखो तुम्हें मजा आ जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर ट्राइवेलेंट इम्पेरिटीज से बनता है कितना मजा आया होगा ियम का यूज करते हैं। होल्स होता है। होल्स के चलते होता है, होता है। और करंट होता है मजा आ गया है ये पूरा थ्योरी पढ़ के एकदम फुल फील आ गया तो लाल वाला दिल एकदम तगड़ा बरस जाना चाहिए भाई लोग अब मैंने तुम्हें एक्सट्रिंसिक तो पहले ही पढ़ा दिया प्योर सेमीकंडक्टर इसको वहीं पे रख देता हूं मैं करंट जो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते होता है दोनों बराबर होता है वही इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर होता है करंट दोनों के सम के बराबर होता है इंटायरली न्यूट्रल ये भी होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों इक्वल होते हैं अब इसके बाद एक लॉ है हमारे पास क्लियरली स्टेटेड लॉ है विदाउट एनी प्रूफ तो यह लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं है ठीक है इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ अकॉर्डिंग टू एनसीआर ये सीधा लिखा हुआ है एनी इंटू एन एच इजल टू एन आई स्क्वायर अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर आया था एम्स में और एक बार नीट में कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है तो ये चीज ध्यान रखना अभी मजा दिलाऊंगा फिर से एक इंपॉर्टेंट लॉ एट रूम टेम्परेचर इधर ध्यान दो बेटा ध्यान दो बेटा मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाया हूं मैं एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर एटोम एक्सेप्टर एटोम मतलब क्या हो गया एल्यूमिनियम gets ionized leaving holes in the valence band. Thus, holes be valence band when they are. thus at room temperature, the density of holes in the valence band is predominantly due to the impurity of extrinsic semiconductor. The electron and holes concentration in the semiconductor in thermal equilibrium is given by NE into NH is equal to NI square. NE into NH is equal to NI square. N क्या है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान से सुनो ये क्या है नंबर नंबर ऑफ ऑफ चार्ज पर पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम होल्स दूसरा क्वेश्चन की तैयारी हो चुका है चलिए एकदम फोट डालते हैं बेटा फिर से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दो अब इज क्रॉसलीपोटिकल इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर हम ये निकालते हैं जिसमें ई e ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं क्या होगा जल्दी से बताओ अगर एनई ज्यादा हो गया एन एच से

चलो रेडी हो तो लाल वाला दिल बरसा के पहला क्वेश्चन जल्दी से बता दो हजार पीवाईक्यू 2018 क्यू दो हजार क्यू नीट उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन भर भर क्या हुआ है जल्दी से पढ़ाओ फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से मैंने बोला ना कि इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाऊंगा कि थ्योरी भी दिमाग में सेट हो जाएंगे थ्योरी तक तुम्हारे को भूलने नहीं दूंगा जल्दी से बताओ बोल रहा है व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है एन फोर नेगेटिव नेगेटिव मतलब पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसको हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीजेस नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिमेंस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इंक्रीजेस क्या होगा आंसर भैया देखा हो गए उड़ गए तोते भैया उड़ गए तोते भैया उड़ गए तोते तो तुम लोगों को इतने देर से बता रहा हूं मैं कि ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है लेकिन तुम्हारे दिमाग में कहां आने वाला है देखा क्वेश्चन करना क्यों इंपॉर्टेंट है देखा क्वेश्चन करना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा बेटा तभी तभी से से बता बता रहा रहा हूं हूं ना ना बोलो 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 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जनरेट होगा क्या अरे दोनों साथ साथ होते हैं वो खाली किया तो पन गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनक्रीजेज इक्वली आया समझ में क्यों बच्चों के मार्क्स नहीं आते नीट में और सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर में कैसे नीट लपेट लेता है बच्चों को देख रहे हो देख रहे हो बेटा देख रहे हो बेटा कैसे लपेट लेता है नीट ध्यान से ध्यान से ध्यान से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है अगला ये लो। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बताओ सारे के सारे मैं बोला ना जितने तरीके का पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है ना सब करवाऊंगा सब तुम खुद कमेंट करके बताना क्लास करके ऐसे मत चले जाना जरूर बताना मेरा मेहनत कितना है बताना कि सही में तुमसे कोई क्वेश्चन ना छूटने दूंगा यार जो पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया दिया ना बेटा फिर तुम्हें की जरूरत है बस इसी से आएगा क्वेश्चन सीधा के जरा सा भी इधर उधर की जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ लो बस इसको देख लो क्या कमाल होने वाला कमेंट करके जरूर बताना बेटा क्लास ऑफ करने के बाद कि क्या दंगल एकदम मच चुका है मजेदार तरीके से तो एकदम बता देना राइट चलो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर फॉर्म में है वो एक्सटेंसिक है ये प्योर फॉर्म में है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज रेसिस्टेंस होता है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ये तो सही लाइन है बिल्कुल ये सही लाइन है बिल्कुल इसने पूछा भाइयों फिर ियम एल्यूमिनियम मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब की कमी इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एकदम सही देखो लाइन में कितना फिजिक्स है यार डोपिंग प्योर सिलिकन विद ट्राइवेलेंट टाइप सेमीकंडक्टर सही लाइन है भाई

बोलो बेटवा दंगल मचा रखे हो ना यस सर चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ बताओ अच्छा ये वही है अभी जो बताया वही है वही है है सेम, 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 सेम। सेम है चलो ये वाला बताओ अच्छा ये अभी नहीं हुआ है रुक जाओ रुक जाओ अभी करवाऊंगा टेंशन मत लो ये वाला ये सारा तो एक ही तरीके क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं ये करो बेटा ये करो बेटा 2019 में नीट ने पूछा दंगल मचा दिया जल्दी से बता दो बेटा 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 फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ बी बी आएगा क्या <coughs> क्या बोल रहे हो बोल रहा है, अ पी फो पॉजिटिव गलत है <coughs> ये तो सही है कि ट्राइवेलेंट एटम होता है लेकिन ये गलत है आधा ये आधा सही है आधा गलत है ये सही है ये गलत है तो फाइनली गलत ही हो गया होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर ये सही है पी टाइप में एंड ट्रावेलेंट एटम्स आर डोपेंट एकदम सही है बी होल्स आर द मेजोरिटी एंड पेंटावेलेंट गलत इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी गलत पेंटावेलेंट गलत बोलो oh, सीख no. <coughs> रहे हो मजेदार तरीके से सारे बच्चे सीखते जा रहे हैं एक एक चीज करते जा रहे हो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजेदार मजा तो तब आएगा जब तुम 2021 के नीट के क्वेश्चन को फोर फाट डालोगे जल्दी से बताओ 2021 नीट पी वाई देख रहे हो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा डरो मत देख रहे हो जल्दी से फोर फाट डालो बेटा फोर फाट डालो बेटा फोर फार डालो बेटा फोर फार डालो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमी इज सेम एज अ होल

ऐसा तो ही रहा है हाँ। बोलो सारे अरे वाह क्या बात है मजा दिला दिया तुम लोगों ने तो सर ये वही बात है बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज सेम एज द होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप सेमी कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड बताओगे तो वो होल्स को मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा हम लगभग लगभग क्या माने हैं दोनों का हम लगभग लगभग क्या माने हैं दोनों का जल्दी से बताओ दोनों का क्या माने हैं बराबर या अलग अलग जल्दी से बताओ मुझे पराबर या अलग अलग जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से फटाफट से बताओ हम क्या माने हैं दोनों क्या हम मानते हैं जल्दी से बताओ नहीं अभी तो बताया एन टैप और पी टैप दोनों तो बताया लेकिन चीजों को समझना भी तो है बोल रहा है एन टाइप सेमी कंडक्टर में जितने भी होल्स हैं होल कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज सेम एज द होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप इसने दो, दो सेमी कंडक्टर बनाए एक एन टाइप और एक ठीक है अब इसमें जितने डोपिंग किया ये ऐसा बोलना चाह रहा है एन टाइप में जितने डोपिंग किए उतने ही पी टाइप में डोपिंग किया इससे ऐसा बोला तो बोला यहां पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जितना उतना ही पी टाइप में होल है अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया देख लो बोला एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक इज अप्लाइड अक्रॉस इच ऑफ दम कंपेयर द करेंट इन दम करंट कितना होगा तो मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताया है कि वो

मोबिलिटी तो यस युग सिंगल बोल रहा है बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है देखो बी होगा जब मोबिलिटी को नहीं देखोगे और डी होगा जब मोबिलिटी देखो अब दोनों है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है तो अगर नीट इसे बेस्ट बोल के आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है भाई साहब क्योंकि फैक्टर ये भी तो है मोबिलिटी इज अनदर फैक्टर उसको कैसे भूल सकते हो तुम कि मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है तो सारे चीजों को सही ढंग से पढ़ के करोगे ना बेटा चलो मजा आ रहा है भाई भाई लोग एकदम तगड़ा वाला चलिए जल्दी से आ जाइए अब साहब लिया तुम्हारे लिए अब मैंने तुम्हें पी टैप बता दिया और एन टैप तो अगला तीसरा टैप का क्वेश्चन बताने की तैयारी हो रही है और वो क्या है सर अब हम पढ़ेंगे बेटा पी एन जंक्शन समझ में आया दो तरीके का क्वेश्चन क्लियर हो गया तो एक बार लाल वाला दिल और एमएमए बरसा दो कि सर बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा हम फोर डालेंगे पी और एन टाइप के ऊपर कोई सी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा हम फोर डालेंगे अब मैं बता रहा हूं पी एन जंक्शन बनाने की बारी आ गई अब अपन बनाने वाले हैं क्या पी जंक्शन क्या बनाने वाले हैं पी जंक्शन ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद कल भी पढ़ लेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ के ये चीज़ इसके सारे क्वेश्चंस को तो कर लेते हैं ताज कर लेते हैं फिर कल के सेशन में भी आएंगे और कल ये सारा कर लेंगे पूरा अच्छे से ठीक है तो दो सेशन इसलिए रखा कि तो आप लोगों को भी लोड ना रहे और हमें भी ना रहे

एक 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 पी टाइप और है एन टाइप ठीक है बेटा एक पी टाइप और दूसरा है एन टाइप अब देखो क्या है ध्यान से देखना मजा 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 जबरदस्त मजा पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा वो बताओ क्या होगा पी फोर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब होल्स पी फोर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब होल्स यहाँ पे होल्स होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर सर क्या बात समझते जा रहे हो हाँ सर बहुत ही बढ़िया बात होल्स होंगे मेजोरिटी चार्ज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजोरिटी चार्ज करिए सर बोलो हाँ ना बहुत बढ़िया अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होगा क्या यहाँ पे होल्स नहीं होंगे होंगे एक आध कहीं कहीं होल्स होगा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होगा होल्स भी होगा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एक आध इलेक्ट्रॉन होगा कौन रोक सकता है एक आदि इलेक्ट्रॉन को होगा होल्स होगा होल्स होगा होल्स होगा, होल्स होगा एक आदि इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन ये होल्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बत्ता हुआ चला जाएगा ठीक है बेटा अब जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कंबाइन होता है ध्यान से देखना तब दो तरीके का फिनोमिना आकर करता है यहां पे एक डिफ्यूजन करेंट और एक ड्रिफ्ट करेंट इन दोनों को आप समझेंगे दो तरीके का फिनोमिना आकर करता है जब एक पी और एन क्या होता है कंबाइन होता है जब ये पी और एन कंबाइन होता है बेटा तब यहां पे क्या होता है जल्दी से देखो जल्दी से देखो ध्यान से जब ये पी और एन कंबाइन होता है बेटा तो देखो जल्दी से क्या होता है यहां पे देखो जल्दी से क्या होता है जब ये पी और एन कंबाइन होता है बेटा तब यहां पे दो तरीके का फिनोमिना आकर करता है एक होता है डिफ्यूजन डिफ्यूज होता है और दूसरा ड्रिफ्ट होता है डिफ्यूज पहले होता है ड्रिफ्ट बाद में होता है और बाद में दोनों बराबर हो जाता है अब इसको समझेंगे आप लोग जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ आता है तो डिफ्यूजन भी होता है और ड्रिफ्ट भी होता है डिफ्यूजन पहले स्टार्ट होता है और डिफ्यूजन ज्यादा होता है क्या होता है डिफ्यूजन ज्यादा डिफ्यूजन क्या है था? होता क्या है कुछ ये जो पॉजिटिव है ये चीज तो ये कुछ होल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज कर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ अपना जगह छोड़ के इधर आ जाता है हम ये बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं नहीं मतलब मिटाने के लिए गलती ऐसे क्या गलती है जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इधर डिफ्यूज होने आता है तो इधर पॉजिटिव चीज क्रिएट करने लगता है ये और तो ये इधर निगेटिव चीज क्रिएट करने लगता है और इधर पॉजिटिव चीज क्रिएट करने लगता है बोलो बात समझ में आई भाई लोग नेगेटिव और पॉजिटिव चीज जो हम बोलना चाह रहे क्या है सर डिफ्यूजन के चलते डेवलप होता है होल्स जो पी टाइप में है वो डिफ्यूज होता है इलेक्ट्रॉन एन टाइप के साथ ये होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज करता है तो इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के आया ऐसे मान लो कि क्यों होल्स की मोबिलिटी कम है वैसे हम मानते हैं ये भी गया ये भी आया इलेक्ट्रॉन छोड़ के या तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव 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 बना दिया बोलो हाँ है ना। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज आना शुरू हुआ ये एक ही टाइम पे एकदम से इतना बढ़िया नहीं बन गया ये आया आने के चलते ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आए तो अपना पॉजिटिव ये अब इमोबाइल है ये मूव नहीं कर रहा है तो ये अपने बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है देखो ध्यान से भाई लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इसके अंदर जो कुछ होल्स थे वो धक्का खा के यहां आता है और धक्का खा के इधर आ जाता है ये होल्स की कमी हो गई यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि फिजिक्स को सीखो को सीखो तो होल्स इधर से इधर गया तो एक करेंट डेवलप हो गया इधर से इधर दिस करेंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट करेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मिला उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग हुआ

किसके चलते हुआ भैया ड्रिफ्टिंग के चलते तो यहाँ पे ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग का चीज यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर कर दिया और ये होल्स को खींच के इधर कर दिया देखते जा रहे हो इधर होल्स भर रहा है और यहां से होल्स खाली हो रहा है तो इस सर बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ रहा है एक टाइम आएगा जब जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होल्स इधर से इधर दोनों तो बराबर हो जाएगा शुरुआत में इनिशियली पहले देखो इनिशियली क्या होगा जल्दी से देखो इनिशियली ये जो डिफ्यूजन करंट था आई ड्यू टू डिफ्यूजन डिफ्यूज ये ज्यादा होता है आई ड्यू टू ड्रिफ्ट से एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ये जो ड्रिफ्ट करंट है और ये जो डिफ्यूजन करंट है ये दोनों बराबर हो जाता है बोलो, मस्ती में समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दो आग लगा दो ये ड्रिफ्ट करेंट और ये डिफ्यूजन करेंट ये दोनों एक ही तरीके का लग रहा है सर नहीं पहले डिफ्यूजन जाता था और ड्रिफ्ट कम था अब ड्रिफ्ट करेंट और डिफ्यूजन करेंट दोनों बराबर हो गया है देखो ध्यान से ये डी आई एफ एफ है डी आई एफ एफ है और ये डी आर आई एफ टी है अब इसके चलते क्या हो गया इक्विलिब्रियम अचीव हुआ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और यहां पे एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो ये जो चीज क्रिएट हुआ उसका नाम है बैरियर पोटेंशियल क्योंकि इसका कुछ डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया तो ये जो पी जंक्शन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करेंट का डेवलप हुआ इक्विलिब्रियम आया इसके चलते बीच में एक लेयर क्रिएट हो गया जिसे बोलते हैं लेयर क्या बोलते हैं बेटा डिप्लिशन लेयर और यह पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ क्या सबको समझ में आ गया कि पोटेंशियल बैरियर का क्रिएशन कैसे होता है ड्रिफ्ट करंट का क्या मैकेनिज्म है डिफ्यूजन करंट का क्या मैकेनिज्म है कैसे ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बाद में बराबर होता है और कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लिया और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलके बन गया पी एन जंक्शन डायोड जिसको कि हम दिखाते हैं इस तरीके से पी ऐसे पी और ऐसे एन या फिर दिखाते हैं ऐसे अब ये बन गया डायोड क्या बन गया डायोड तो जितना मैं थ्योरी बोला हूं उसको मैं लिख कर भी लाता हूं तो थोड़ा सा वो भी बता देता हूं लेकिन की क्लैरिटी एकदम जबरदस्त अगर है तो जल्दी से वाइटैप कर दो आग लगा दो दिल बरसा लाल वाला दिल एकदम बरसा दो जल्दी से फटाफट से कि ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट पहली बार जीवन में तुम्हारा क्लियर हुआ होगा चाहे बच्चे कहीं भी कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा ही क्लियर नहीं होता कि डिफ्यूजन क्या है टेम्परेचर का बारे में क्यों नहीं सोचा क्या एक कॉन्सेप्ट -एक एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार तो जल्दी से लाल वाला दिलवर जाना चाहिए भाई साहब एकदम बढ़िया जल्दी से अरे वाह थैंक यू बच्चा लोग लव यू बच्चा लोग बहुत ही शानदार अब देखो ध्यान से अब हमने बना दिया है पीएन जंक्शन भाई अब हमने क्या बना दिया पीएन जंक्शन तो पीएन जंक्शन को हम यूज करते हैं दो तरीके से पीएन जंक्शन में जब हम कोई भी एक्सटर्नल बैटरी यूज करते हैं पीएन जंक्शन में जब कोई एक्सटर्नल बैटरी यूज करते हैं एक्सटर्नल बैटरी यूज करते हैं इसको बोलते हैं बाइजिंग क्या बोलते हैं बाइज <laughs> 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 क्या बोलते हैं बेटा बाइज करना बाइज करना मतलब पीएन जंक्शन के क्रॉस एक बैटरी लगा देना ये बाइजिंग दो तरीके से होती है ध्यान से देखो एक ये जो पीएन जंक्शन है यही है डायोड पीएन जंक्शन डायोड एक बाइजिंग होता है फॉरवर्ड बाइज ये पॉजिटिव चीज होता है नेगेटिव चीज होता है। अगर ये पी एन जंक्शन फॉरवर्ड है तो ये पी तो टाइप पे एक स्विच लगा देता हूं मैं अभी। ये फॉरवर्ड में कनेक्शन है इस, इस डायोड का। इसको बोलते हैं बायसिंग और बायसिंग का क्या मतलब हुआ बच्चे परेशान होते हैं बायसिंग क्या है बायसिंग क्या है बायसिंग कुछ भी नहीं है भाई फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज का मतलब एक्सटर्नल बैटरी इसमें लगा दिया बस इतना इतना ही इतना ही अच्छा और ये जो डायोड है तुम्हारे पास ये जो डायोड है तुम्हारे, तुम्हारे पास इसमें क्या किया हमने इसमें क्या किया हमने जल्दी से बताओ देखो रिवर्स वाइज जब इसका पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं एन टैप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं पी टैप को बैटरी के पॉजिटिव तो ये होता है फॉरवर्ड बायस और ये होता है रिवर्स बायस अब मैं इन दोनों का मैकेनिज्म समझाता हूँ क्या होता है तो सबसे पहले समझेंगे फॉरवर्ड बायस में क्या होता है फिर समझेंगे अपन रिवर्स बायस में क्या होता है अब ध्यान से सुनना बेटा मजा आने वाला है अब ये जो हुआ है सर ये जो डिफ्यूजन हो ये पीएन जंक्शन बना इसमें हुआ क्या ये बीच में एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ इसको क्या बोल रहे हैं अपन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट हुआ इसके चलते क्या हुआ बैरियर पोटेंशियल पोटेंशियल क्रिएट हो गया ये क्या हो गया बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया इसके बीच में क्या हो गया बैरियर पोटेंशियल तो ये कुछ इधर की तरफ क्या है देखो इलेक्ट्रिक <coughs> फील्ड इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो बताओ ये जो एन टाइप है वो हाइयर पोटेंशियल पे होगा या पी टाइप हाइयर पोटेंशियल पे होगा जल्दी से बताओ तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस पता है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तुम लोगों को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस क्या ये लाइन तुम लोगों को याद है ये पढ़ाऊंगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है बेटा डिक्रीज़ करता है है तो अगर ये वाला जो पॉइंट इससे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला पोटेंशियल कम होगा ये वाला हाइयर होगा तो एन टाइप हाइयर पोटेंशियल पे होता है और ये एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्रिएट हो गया जिसे कि हम वी नॉट से डिनोट करते हैं ये बैरियर पोटेंशियल है ये एन टाइप का पोटेंशियल है अच्छा सर ये हाइयर पोटेंशियल पे है और ये पी टाइप का पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो एन टाइप इस बार हाइयर पोटेंशियल पे है और पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे है देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है बोलो सब लोग एकदम मेरे साथ हो मजा आ रहा है जबरदस्त और तगड़ा वाला गेम हो रहा है तो जल्दी से फटाफट से एक बार लाल वाला दिल बरसा दो एकदम यस सर हम आपके साथ हैं हैं पीएन जंक्शन डायोड का ऑपरेशन कर रहे और और अब अपन फॉरवर्ड वाइज वाइज रिवर्स बस पढ़ने ही वाले हैं और जैसे ही फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की क्लैरिटी होगी हमारा कहानी हो जाएगा पूरा खच्चा खच तीन क्वेश्चन आपने बोला था आज के आज करवा दूंगा और अगले दिन आएंगे और वो चीज बताऊंगा जो आ सकता है और तुम्हें जो बच्चा वो तैयार करके जाता है वही टॉपर बनता है वही रैंकर बनता है क्योंकि अभी तक जीना डायोड के ऊपर दो 2023 में भी क्वेश्चन आया 2021 में भी आया लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आए जीना डायोड का न्यूमेरिकल तुम्हें कराना सिखाऊंगा कल तुम्हें सेमी के ऊपर लॉजिक गेट ए, एन एनएमसी जो अभी सिलेबस उसने लिखा हुआ है लॉजिक गेट बचा हुआ है वो बताऊंगा ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना एनसीआर में ना उसने बोला तो ट्रांजिस्टर पढ़ना बेवकूफी होगा अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है लेकिन जो जीनर नहीं पढ़ेगा जो फोटो सेल नहीं पढ़ेगा, जो गेट नहीं पढ़ेगा वो फंसेगा पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे कल तो बेटा दंगल कल भी होने वाला है शाम में रेडी हो जाना छह बजे आ जाना कल होगा तगला दंगल और पूरा ऑपरेशन करके रख दूंगा दिला के लेकिन पहले तो ये पढ़ लेते हैं ठीक है भाई लोग यस सर तो जीनर और गेट कल पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से पहले इसको पढ़ लेते हैं ठीक है सर <coughs> तो ये पे, potential पे, potential हुआ ये और ये नाला बन गया अब क्या हुआ यहां के होल्स तो इधर चले गए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया अब अब कुछ भी नहीं अब ये बन के तैयार है ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाग अपने घर में घुस

तो अब आया बाइजिंग एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ गई बोल किसकी आवश्यकता पड़ गई एक्सटर्नल एजेंट की तो तो अब आया का का इसीलिए तो इस पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड फॉरवर्ड किया forward का क्या मतलब होता है वो मैंने अभी बताया है तो मैं मैकेनिजम समझाउंगा द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल जंक्शन बैरियर पोटेंशियल ऐसा है पॉजिटिव टू नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव देखो ऐसा जबकि पी टाइप यहाँ पे था और एन टाइप यहाँ पे था ये तो बताया ना मैंने यानी कि पी टाइप को अगर पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया और ये एन टाइप को तो ये हो जाता है लेकिन इससे फायदा क्या हुआ ये जो बैटरी का पोटेंशियल बना वो पोटेंशियल इस पोटेंशियल के अपोजिट में गया अपोजिट में गया इसके चलते क्या हुआ ये जो डिप्लीशन लेयर है ये जो यहां पे बैरियर पोटेंशियल डिप्लिसन लेयर बना हुआ है ये क्या बना हुआ है जल्दी से बताओ लेयर लेयर ये जो यहां पे बना हुआ है उसको उसको ये ये उसका जो विर्थ है ऑफ द लेयर कम करने लगा कैसे अपोजिट पॉलरिटी का बैटरी लगा के ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ वो फोटो बनाऊंगा मैं तब तुम्हें और समझ में आएगा फोटो बनाऊंगा ये देखो ये है पी एन जंक्शन ये पी एन जंक्शन है हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, है।, है, है इसके बीच में पूरा का पूरा क्या कर रखा है, पैदा कर रखा है। अब यह पी टाइप है ना और यह एन टाइप है हाँ सर बहुत बढ़िया अब इसके बीच में जब मैंने बैरियर पोटेंशियल लगाया बैटरी लगाया बच्चों ध्यान से देखो बेटा मजा आ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जन्म लेके बैठा हुआ था उसको ये बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो ये जो वेरियर का विर्थ है, वो क्या हुआ ऑफ द डिप्लेशन डिक्रीज दिस एंड सो कंडक्शन विल स्टार्ट तो यहां पे है ना है ना है ना हा एनसीआरटी आज पढ़ो जितना पढ़ाया उतना ही एक एक लाइन समझ में आएगा

जितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है सब करवा के आए बस एनर्जी मिलता है एक एक टीचर को बच्चों और कुछ नहीं होता है। मजा आता अरे बार और मेहनत है कर पा समझ पा रहा हूँ ना एक एक चीज एकदम मजेदार तरीके से बोला था ना बिना दंगल मचाए अपन नहीं छोड़ेंगे तो ये चीज सर समझ में आया फॉरवर्ड वाइज है कैसा है और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मजेदार तरीके से तो जनरली जो आइडियल केस है आइडियल कैसा है आइडियल केस कैसा है बेटा जल्दी से बताओ आइडियल तो हम मानते हैं कि आइडियल केस में आइडियल केस में ये जो डायोड है इसका जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस वो जीरो है देखो ध्यान से क्यों

आइडियल केस में हम नहीं मानते हैं कुछ भी अगर बोलेगा तो मानेंगे जनरली सिलिकॉन के लिए लिख like भी देता हूं जनरली अगर बोलेगा एक बार यही पूछ दिया था सीधा यही पूछा ही था सीधा यही क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा ठीक है लेकिन आइडियल केस में इसका पोटेंशियल भी जीरो ही मानते हैं ठीक है

एकदम मस्ती भरा गेम चल रहा है वाइस मजा आ रहा है तगड़ा कोई टेंशन कोई दिक्कत कोई परेशानी नो सर तो फॉरवर्ड वाइज में करेंट वी बाई आर के बराबर होगा सब लोग बोलने लगे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अब आ जाओ जल्दी से तो अब बचा कौन सा सर रिवर्स तो फॉरवर्ड वाइज में क्या क्या हुआ ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस जंक्शन विथ ऑल्सो डिक्रीजेस बैरियर पोटेंशियल जैसे कम हुआ टेंशन विथ क्यों सो मोर मेजोरिटी कैरियर विल अलॉट टू फ्लो across the junction. It means the current flow in principally to to the majority charge carrier. बहुत important बात है. Majority charge carrier जो है उसके चलते होता है. तो वहाँ electron के चलते यहाँ holes के चलते. और current forward current milli ampere में होता है. बहुत important line. Forward current milli ampere में होता है. ठीक है बच्चों. मजेदार. अब आया भैया कौन सा चीज sir reverse bias

मैंने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसके एन टाइप को किससे जोड़ दिया जल्दी से बताओ एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से तो ये जो चीज क्रिएट हुआ है भाई लोग जल्दी से देखना ये जो चीज क्रिएट हुआ भाई लोग जल्दी से देखना ये जो चीज क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड क्या बोलते हैं बेटा रिवर्स बाइज अब यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही रिवर्स बायस के चलते क्या हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और सपोर्ट कर दिया भाई साहब तो अब क्या हुआ सर द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज 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 ये इंक्रीज होने लगेगा द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर यहां पे जो था वो इंक्रीज होने लगेगा ऐसे टाइम पे करेंट जो होता है सुनो ध्यान से वो माइनोरिटी चार्ज करियर के चलते होता है माइनोरिटी चार्ज करियर क्या है सर देखो ध्यान से क्या यहाँ पे करंट एकदम नहीं है है करंट है. लेकिन वो किसके चलते है माइनोरिटी चार्ज करियर के चलते है माइनोरिटी चार्ज करियर क्या है सर यहाँ पे है होल्स होल्स यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका लेयर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये दोनों के चलते अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचना शुरू कर देगा इधर और ये अगर घूम घूम के इस जगह पे आ गया तो इसे भेजना शुरू कर देगा इधर दीज आर माइनोरिटी चार्ज कैरियर देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है क्या इलेक्ट्रॉन क्या है माइनोरिटी चार्ज करियर है क्या इलेक्ट्रॉन क्या है माइनोरिटी चार्ज करियर है आई नहीं बहुत कम है वहां पे करंट मिली एम्पियर में था क्योंकि वहां पे मेजोरिटी चार्ज करियर के चलते करंट का फ्लो हुआ था देखो तगड़ा चीज एक एक लाइन तो करंट यहां पे अच्छा खासा था लेकिन जब रिवर्स करंट हमने लगाया यहां पे तो सिर्फ माइनोरिटी चार्ज कैरियर के है, तो करंट होता है लेकिन बहुत कम होता है इसीलिए हम बोलते हैं आइडियल केस में करंट लगभग लगभग नहीं होता तो हम बोलते हैं रिवर्स करंट जो रेसिस्टेंस है वो इंफिनेटिव है लगभग करंट जीरो ही है कोई करंट नहीं है यानी कि डायोड जब रिवर्स बाइज में होता है तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है हम ये मानते हैं आइडियल केस में कि ओपन सर्किट की तरह कोई करंट का फ्लो नहीं होगा भाई पे लेकिन होता है कैसा करंट होता है देखो ध्यान से ये रिवर्स करंट है देखो ध्यान से ये है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ करंट रिवर्स वाला माइक्रो एम्पियर में होता है बहुत कम होता है देखो ध्यान से माइक्रो एम्पियर है और ये वोल्टेज प्लिटी मैंने चेंज की है ये देखो निगेटिव वाला तो रिवर्स करेंट पहले बहुत कम होता है इसको बोलते हैं रिवर्स करेशन करेंट ओ भाई साहब सर मजा दिला दिया आपने माइक्रो एम्पियर में होता है लगभग जीरो देख लो भैया ये फॉरवर्ड करंट है मिली एम्पियर का ये माइक्रो और एक टाइम तक जब ये डिप्लेशन व्यक्ति बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है ये इधर आता है ये इधर आता है इतना ज्यादा इसके ऊपर ये एनर्जी ले लेता है सुनो ध्यान से कहीं नहीं मिलेगा ये सब लॉजिक सुनो ध्यान से इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाता है कि ये टकराने लगता है बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड्स के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया समय मिला तो वहां के इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में टाइम लगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है हाँ सर तो वो टक्कर मारता है बॉन्ड्स के बीच में और बॉन्ड को तोड़ने लगता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने लगता है एबनॉर्मली अच्छा और दूसरा एक और डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बीच में जो बहुत अब ये तो कोई ना कोई तो सब होंगे ना उसका तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा ही ना उसके अंदर को पोलराइज करने लगता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस बीच में इस बीच में इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने लगता है ओ भाई साहब ये दो तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट होता है रिवर्स वाइज में दोनों में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है लेकिन एक में अब नॉर्मल ब्रेकिंग होता है एक में थोड़ा सा धीरे होता है जिसमें थोड़ा सा धीरे होता है उसको बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन और जिसमें अब नॉर्मल होता है उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन क्योंकि एक बार ये ब्रेक कर दिया तो ये अब नॉर्मली पूरा हो जाता है फिर कंडक्शन मेजोरिटी और माइनोरिटी सबका होने लगता है कंडक्शन अच्छा होता है उतना तगड़ा नहीं होता उसकी तरह फॉरवर्ड वाइज की तरह लेकिन करंट एकदम से बढ़ता है वोल्टेज को फिक्स करके देखो ध्यान से और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ ये है वही जीनर वोल्टेज बोलते हैं इसको बाद में क्योंकि ये ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन है ये ब्रेकडाउन है ये वाला एकदम से देखो वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है और इसको बोलते हैं एवेलान ब्रेकडाउन अरे भाई मजा आ गया सभी मजा आया ये सारा मैकेनिज्म जो बताया और जीन एवलांचे ब्रेकडाउन और जीन और ब्रेकडाउन का सब बताऊंगा इसके और भी पॉइंट्स लेकिन पहले समझो फॉरवर्ड वाइज में ये नहीं था फॉरवर्ड वाइज में करंट कुछ देर तक जब तक बैरियर पोटेंशियल इसका ओवरकम नहीं हुआ था डिप्लेशन लेयर पूरा जीरो नहीं हुआ था तब तक कोई भी करंट नहीं जाता तो ये 0.7 वोल्ट तक नहीं जाता इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सिलिकॉन में और ये 0.2 तक नहीं जाता जर्मेनियम में तो कुछ देर नहीं जाता और उसके बाद एकदम मस्त करंट फ्लो होता है एक्सपोनेंशियल तो ये देखो आप फॉरवर्ड करंट लगभग लगभग जीरो होता है और 0.6 के बाद एक्सपोनेंशियल करंट का राइज़ होता है मिली एंपियर में ये फॉरवर्ड वाइज है ये रिवर्स वाइज है ये क्या है ये VI ऑफ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिर ब्रेक डाउन होता है और यहां पे इसको क्या बोलते हैं डाउन भी बोलते हैं एनसीईआरटी में इसको डाउन बोल रखा है मैं जीनियर पढ़ाऊंगा तो जीनियर बोलूंगा तो डाउन वोल्टेज के बाद एकदम से करंट चेंज होता है अब

जबकि यहाँ पे क्या होता है ये रिवर्स बायस में करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने के चलते बॉन्ड्स में पोलराइजेशन होता, होता है वो जीनर ब्रेकडाउन होता है जीनर ब्रेकडाउन में परमानेंट ये खराब नहीं होता इसीलिए जीनर को यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर और रेगुलेटर ये दो बार तो अभी आ चुका है क्वेश्चन दो हजार तेईस में आया नीट में

वोल्टेज रेगुलेटर बोलो बच्चा लोग एकदम मजा आ गया क्या यस सर और 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 क्या है सर और यहाँ पे ऐसे में जब होता है एवलांच ब्रेकडाउन कोलिजन के चलते पीएन जंक्शन डैमेजेस परमानेंटली ड्यू टू द एब्रप्टली इंक्रीमेंट ऑफ द माइनॉरिटी ड्यूरिंग द रिपीटेटिव कोलिजन मस्त मजा आया तगड़ा तो आग लगा दो एक बार लाल वाला दिल बरसा दो और अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन रिवर्स वाइज में क्या होता है वो भी लिख दिया अप्लाइड वोल्टेज इज सेम साइड ऑफ द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज जंक्शनिटी कैरियर क्या फ्लो होता है माइनोरिटी ओनली माइनोरिटी देखो एक एक चीज फील करवा रहा हूँ इट मीन द करेंट फ्लो इन प्रिंसिपल ड्यू टू द माइनोरिटी चार्ज कैरियर एंड इज वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पियर कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं उसे मस्त वाला मजा आ गया सबको तो लाल वाला दिल बरसा दो सर एकदम तगड़ा वाला चीज पूरा बता दिया आपने एकदम तो फॉरवर्ड वाइज में हमने क्या किया है और रिवर्स वाइज में क्या किया वो देख लो रिवर्स वाइज में पी नेगेटिव था एन पॉजिटिव था यहाँ पे पी पॉजिटिव था एन निगेटिव था यहाँ पोटेंशियल बैरियर घटता है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है यहाँ पे विड्थ जो होता है वो बढ़ता है यहाँ पी जंक्शन प्रोवाइड्स हाई रेसिस्टेंस ये तीनों लेकिन यहाँ पे क्या होता है विट जो होता है वो घटता है ये घटता है वेरी स्मॉल होता है रेसिस्टेंस इसका लगभग जीरो मैंने बोला इसका ये जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है वो आइडियल केस में लगभग जीरो और इसका रिवर्स रेसिस्टेंस जो होता है वो लगभग लगभग इन्फिनिटी मानते हैं अपन रिवर्स करंट हम मानते हैं फ्लो ही नहीं कर रहा है सर्किट में रिवर्स करंट फ्लो होता है लगभग लगभग जीरो बात समझ में आ रही है ये माइक्रो एम्पियर में होता है ये 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 मिली मिली में 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 होता 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 है 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 किस किस फॉरवर्ड और माइक्रो एम्पियर में होता है बोलो और यहाँ पे फॉरवर्ड करेंट फ्लो होता है, है? है, है। सर्किट में मस्त वाला खेल खेल लिया तुम लोगों ने बेटा तगड़ा मजा आ गया बेटा तो जल्दी से अब क्वेश्चन कर लो तीन चार जल्दी से फटाफट से रेडी हो तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जल्दी से बता दो पूरा ऑपरेशन करेंगे जितने भी टाइप्स होते हैं वो उसका ग्राफ्स वगैरह का ऑपरेशन करेंगे और जो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और आता है उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म करेंगे तो कल दो से तीन क्वेश्चन कल भी यानी कि पांच से छह क्वेश्चन करा दिया ना तो दुनिया में कोई क्वेश्चन जितना सिलेबस है उससे सेमीकंडक्टर में बन ही नहीं सकता बोलो तुम फोड़ोगे या नहीं फोड़ोगे बताओ फोड़ डालोगे तो जल्दी से आग लगाते चलो लाल दिल बरसाते चलो भाई लोग यस yes, सर मजेदार कहानी चल रहा है द इनक्रीज इन दिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू इनक्रीज इन दिर्थ ड्यू टू द रिवर्सलींट फॉरवर्ड का चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से फोट डालेंगे बताओ स्विच ऑफ दिप्रेजेंट फॉरवर्ड जिसका पोटेंशियल पोटेंशियल होता है ये कम है इससे तो यह रिवर्स वाइज में है. ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ये भी रिवर्स वाइज में ये पांच है ये तीन है ये भी रिवर्स वाइज में ये नेगेटिव जीरो से कम होता है ये है फॉरवर्ड वाइज में बोलो हाँ है ना डी आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ भैयो जल्दी बताओ क्या आंसर आया डी तो जल्दी से दो तीन पी वाई क्यू फोर डालो पी वाई डालो पी वाई डालो तो जल्दी से पी वाई डालो ये लो सेम क्वेश्चन जल्दी से बताओ

और ये है प्लस का पांच ये तो निगेटिव हो गया ना तो आंसर क्या होगा ये ए और सी तो ए एंड सी ओनली सी एंड ए एनली बोलो बी हो गया ना आंसर बी बोल रहे हो डी बोल रहे हो वंशी का बेटा क्या बोल रहे हो डी क्यों बोल रहे हो ए बी डी क्यों बोल रहे हो बोल रहा है विच ऑफ द डायोड आर फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या होता है इसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए जीरो से ये छोटा हो गया फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइज मतलब ये इधर वाला पॉजिटिव है ये डायोड अगर ऐसा बना हुआ है तो ये होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप है कि नहीं आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा बी आएगा यस ठीक है चलिए अगला ये क्वेश्चन नीट पी वाई क्यू जल्दी से सॉल्व करके बता दो नीट पी वाई क्यू जल्दी सॉल्व करके बता दो जल्दी सॉल्व करके बता दो बोल रहा है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एबी अब एबी अब ये चार है और ये आइडियल ये देखो आइडियल देखो नीट का पूछा गया क्वेश्चन है तो इसमें कुछ भी मान जीरो रेसिस्टेंस, ये वी ए कितना है? चार माइनस फॉर्मूले का ये कितना हो गया माइनस सिक्स रेजिस्टेंस वन किलो मतलब एक हजार हो। ये कितना हो गया? दस हजार। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ टेन का पावर माइनस टू एमपियर कौन सा आंसर है जल्दी से टिक कर दो तो बी आंसर कर दिया पक्का चलो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दो तीन और करो फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करो इन अ पीएन जंक्शन जल्दी से बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा 2022 में ये लोग सेम क्वेश्चन 2022 में सेम क्वेश्चन 2020 में सेम क्वेश्चन 2018 में अरे भाई साहब सेम क्वेश्चन अरे भाई साहब लाइन से पांच क्वेश्चन जल्दी से खत्म करो इन पीएन जंक्शन जल्दी से बताओ भाई साहब पांच क्वेश्चन जल्दी से बैक टू तो बैक चलेगा अभी जल्दी से पांच क्वेश्चन बैक टू तो बैक फटाफट फड़ से बताओ इन पीएन जंक्शन द पोटेंशियल ऑफ द पी एंड एन साइड बिकम्स हायर अल्टरनेटली अल्टरनेटली क्या होता है बकवास द पी साइड इज एट द हायर पोटेंशियल गलत गलत गलत

सी यस ग्रेट नाउ अब देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा जल्दी से बताओ 2018 में क्वेश्चन पूछा जल्दी से बताओ बेटा 2018 में क्वेश्चन पूछा जल्दी से बताओ बेटा इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेंपरेचर ड्यू टू हीटिंग अब ये पी टाइप या एन टाइप का नहीं पूछा है ये पूरा का पूरा डायोड का पूछ दिया <laughs> तो डायोड का पूछ दिया तो पी भी खराब हो जाएगा एन भी खराब हो जाएगा चीजें चेंज हो जाएगी भाई साहब <laughs> तो सिर्फ रिवर्स वाइज फॉरवर्ड को करेगा अरे नहीं इफेक्ट ये तो और गलत है ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सही बात है ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफेक्ट कर जाएगा बोलो बोलो बच्चों क्या बात समझ में आ रही है बोलो एंड बचवी मजेदार अगला 2020 ये देखो अभी पूछा है तुरंत नीट पी वाई क्यू फोर तो देखो तो कितना आंसर आया जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा <laughs> सॉरी <coughs> जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले करवाया था देखे थे यही क्वेश्चन 2010 हजार को भी पूछा था सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2020 में मजा आया मजा आया मस्त मजा आया अगला 2022 ये लो 2022 का है दो हजार तेईस का है पता नहीं 2022 का है दो 2023 का भी करवाऊंगा कल 2023 के कल मिलेंगे क्वेश्चन था कल आ जाना शाम में फिर से छह बजे और कल फिर से दंगल करके इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन सेमी कंडक्टर से जो भी आएंगे और आएंगे तो पक्का तय है हर हालत में तीन क्वेश्चन बोला था बारह मार्क्स तैयार करवाऊंगा करवा दिया जल्दी बताओ इन अ गिवेन सर्किट वन टू थ्री द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पी एन जंक्शन आर इक्वल अच्छा अब ये कैसा है जानते हो ये ऐसा है डायोड ये ऐसा है ऐसा क्यों बनाया सर आपने क्योंकि तो ये p पहले है p पहले है। ये दोनों फॉरवर्ड वाइज में ही है और बैटरी पॉजिटिव है इसका मतलब फॉरवर्ड वाइज में दोनों कंडक्ट करेगा तो दोनों कंडक्ट करेंगे तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल बराबर होगा ये तो एकदम सही लाइन है भाई पहला ये तो फॉरवर्ड बायस है सर कंडक्ट करेगा ओके okay? और ये क्या है ये रिवर्स बायस है ये क्या है रिवर्स बायस है रिवर्स है तो ये तो सर्किट को ब्रेक कर देगा सर रिवर्स बायस है तो ये क्या करेगा सर्किट को ब्रेक कर देगा सर तो कहां से बैटरी बराबर हुआ बैटरी यहां लगा ही रह गया बैटरी मुंह देखता रह गया ये फॉरवर्ड बायस है कंडक्ट करेगा लेकिन ये रिवर्स बायस कोई करंट ही नहीं होगा तो इसमें ना हो भैया बराबर

लेकिन दो में नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा जल्दी बताओ नहीं नहीं बोथ सर्किट वन एंड थ्री एंड थ्री सी इज क्वेश्चन बोलो मजा आ गया तो जल्दी आग लगा दो भाई सब लोगों को मस्त मजा आ गया आज क्वेश्चन कर करके दिल खुश हो गया तो जल्दी से आग लगा दो दिल बरसा दो क्वेश्चंस और भी बहुत है थोड़े से पीवा लेकिन इतना कुछ कोई मतलब नहीं है होमवर्क दे दूंगा जरूर कर लेना ठीक है कल दो तीन चार क्वेश्चन और करवा दूंगा और बाकी चीजें भी पढ़ा दूंगा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस और भी करवा दूंगा थोड़ा एक ये एक क्वेश्चन करके देखो मेन वाला भी करवाऊंगा यह क्वेश्चन करके देखो ये वाला फिर मेन के भी एक दो लेवल अप क्वेश्चन करवा देता हूं कि नीट में कुछ भी आए तो भी कर लोगे लोगों बताओ ये पांच वोल्ट का ये रिवर्स बाइज है देखो तो ये काट के हटा दो Open हो गया तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे ये ये ऐसे-ऐसे। अब बोला क्या है था? आईडियल आईडियल बोल दिया, तो 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 इसको बस से कर दो, तो पांच वोल्ट का का है, है, और ये दस का है। तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव एमपी देखो किधर है? ये रहा द आंसर, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आता है पक्का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो ये देखो ये कर लो सॉल्व एक बार देखो तो एक और सॉल्व करो ये देखो 2020 हजार बीस में जय में, में पूछा ये भी फोड़ फाड़ डालो तो जल्दी से देखो तो जय में, में पूछा करो टाइमर ऑन कर दिया हूँ जल्दी से कर लो बताया था ना क्वेश्चन इतना करवा दूंगा ना कि सोचोगे कि यार सर ने क्या करवा दिया छोड़ नहीं पाओगे इंडिया का बेस्ट कॉन्टेंट मिलेगा एकदम तगड़ा जरा सा भी डरने की कोई बात नहीं है एकदम बेस्ट से बेस्ट चलो जल्दी से बताओ खुद सॉल्व करो एक बार ये डायोड कैसे है देखो थर्टी वोल्ट के पॉजिटिव लगाए फॉरवर्ड वाइज तो इसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दो तो ये टेन किलो टेन किलो पैरेलल में हो जाएगा तो पैरेलल में आधा हो जाए तो ये हो जाएगा फाइव किलो का ये फाइव और दस हो गया पंद्रह तो करंट कितना हो गया बैटरी से तीस वोल्ट बाय पंद्रह किलो ओम ओम लिख लो वोट नहीं है ये ओम है देख रहे हो आंसर क्या हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो पहले तो करंट निकाल लो तुम करंट निकाल लिया इतना इसका आधा करंट जाएगा तो पंद्रह तो हो गया टू इंटू टेन का पावर माइनस थ्री एम्पियर इतना करंट जाएगा इतना करंट यहां से निकला तो इसका आधा करंट इधर जाएगा आधा करंट ए बी के क्रॉस पोटेंशियल पूछा तो क्या करोगे आई इंटू आर इसका आधा जाएगा वन इंटू टेन का पावर जाएगा इधर और इधर भी 1 इंटू टेन का पावर माइनस थ्री क्योंकि इसमें कितना है 2 इंटू टेन का पावर माइनस थ्री बोलो मजा आया तो 1 इंटू टेन का पावर माइनस थ्री ये हो गया और ये 10 किलो ओम है तो 10 इंटू टेन का पावर थ्री तो ये और ये खत्म हो गया आंसर कितना हो गया 10 बोलो मजा आया बोलो बेटा 10 वोल्ट इज द आंसर आंसर क्या हो गया टेन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्या फोर डालोगे

जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जेई मेन वाले होमवर्क तो देके जा रहा हूँ क्योंकि बेटा मैं पढ़ाता नहीं हूँ मैं सिखाता हूँ आंसर के लिए नीट में सिलेक्शन के लिए तो ये होमवर्क जरूर करके आना जेई वाला भी फोड़ क्या हो ये भी क्वेश्चन करके आना जरूर फोड़ क्या हो एकदम मेरा विश्वास है ये भी करके आना जरूर फोड़ क्या हो गए वाला क्वेश्चन है और ये भी करके आना एक और ये भी फोड़ के आओगे एकदम टेंशन की कोई बात नहीं है ठीक है तो ये क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे दिया है मैंने ये भी क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है मैंने जरूर करके आना बेटा और ऊपर में कुछ पीवाईक्यू है जो तुम लोगों से मैं फटाफट से फटाफट से जरूर करवा लेना ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में तो 10 15 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया हूं उसको तुम लोग क्या करोगे पूरा का पूरा तैयार कर लोगे ठीक है बेटा और कल ये सारे क्वेश्चन जो होमवर्क दिया वो मैं कराऊंगा कल मैं पक्का कराऊंगा ठीक है बिल्कुल तो मिलेंगे एक और इसी एनर्जी के साथ नए सेशन के साथ तब तक के लिए बाई मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए ये क्वेश्चन जरूर टैम करके लाना ठीक है तो तुम लोगों को एकदम मस्ती भरा गेम करवा दिया 2011, हजार ग्यारह दो हजार सारे क्वेश्चंस करवा दिए ठीक है और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये कल करवा दूंगा और कल 2014 का ये क्वेश्चन ये भी कर लो देखो पीवा सारे तो कल फिर मिलेंगे और कल स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा चीज सर स्पेशल कल का कल का हेडिंग अभी देख लो थोड़ा सा ये स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड जिस डायोड जिसमें डीना के ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा जो पक्का एक्सपेक्टेड है मेरा कि 2024 के नीट में आएगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इससे जरूर आएगा क्वेश्चन तो ये कल करेंगे और अगला एक और चीज पढ़ेंगे आ, वो क्या है सर जल्दी से बता दीजिए और पूरा का पूरा लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो कल फिर से सेशन में मिलेंगे ऐसे ही दो ढाई घंटे का और बढ़िया हाँ एकदम एनर्जी लेके आना कल फोड़ के आना दोस्तों को बता के आना और दमकल मचा देना और जो नहीं देखा होगा उसे बोल देना देख ले बेटा इंडिया का नंबर वन कॉन्टेंट यही मिल रहा है समझ आ गया ना थैंक यू लव यू सेशन ऑफ़ कर रहे हैं और आप लोग जरूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन में कि कितना मज़ा आया यहाँ पे ऑफ करने के बाद थैंक यू लव यू आप लोगों का प्यार और एनर्जी बता रहा तो आप लोगों के लिए तालियां मेरे तरफ से पीडीएफ भेज दूंगा ठीक है चलो मस्त हो जाओ खुश हो जाओ और जबरदस्त हो जाओ बाय बच्चा लोग थैंक यू बच्चा लोग लव यू बच्चा लोग <coughs>